तुम फिर से फेल हो गए? चंद्र ने गुस्से में दर्श से कहा, तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुम किसी भी चीज के लायक ही नहीं हो। लगातार 5 सालों से तुम फेल हो रहे हो इस मार्शल आर्ट्स के तीसरे और सबसे महत्व के स्तर में। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारे पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है, चारू कहती है। दर्श, तुम्हें क्या हो गया है? 4 साल पहले तो मार्शल आर्ट्स के पहले 2 स्तर तुमने कितनी तेजी से पार कर लिए थे, अब क्या हो गया तुम्हें? दर्श ये सब सुन रहा है। वो अपना सर पकड़कर बैठा था। वो बहुत बेचैन होकर कहता है, क्योंकि तब वो बिजली गिरी थी और तब मैं वो आंधी तूफान से भरे आसमान के नीचे भागा था और वो तूफान आंधी की तरह मेरे अंदर घुस के मेरी शक्तियों को उजागर कर गया था। पर तभी आसमान से जोर की बिजली गिरी, केरला के पास के आइलैंड को नष्ट करते उस तेजी से। आसमान में 9 अलग अलग रंग की लकीरें खिंच गई। ऐसा नजारा जो आज तक कभी किसी ने ना देखा ना सुना। पूरा आइलैंड नष्ट होने लगा, सब पेड़ और झाड़ियां जल उठे। अचानक एक 10 साल का लड़का दौड़ता हुआ उस आंधी तूफान से भरे आसमान के नीचे आकर खड़ा हो गया और जोर से एक आवाज आई, दर्श, दर्श। दर्श नींद में से जाग उठा। दर्श ने सपना देखा था। दर्श अपने होश में आए उससे पहले ही अजीत ने दर्श से कहा, दर्श दोपहर की नींद से इतना प्यार करना अच्छा नहीं है, भूल गया? आज यहाँ हमारा फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में दाखिले का आखिरी दिन है, काफी काम बाकी है, जल्दी उठ। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल, मार्शल आर्ट की सबसे बड़ी स्कूल। केरला के नजदीकी आइलैंड पर स्थित होने के कारण स्कूल का वातावरण केरला की संस्कृति और धार्मिक संस्कार से काफी प्रभावित था। जैसा कि भारत देश अनेकता में एकता के लिए प्रख्यात है, वैसे इस आइलैंड पर काफी अलग अलग संप्रदाय थे। ये सब साथ भी रहते हैं पर उन्हें काफी चीजें अलग भी रखती है। दर्श ने अपनी आंखें मलते हुए देखा कि स्कूल के काफी वरिष्ठ शिष्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे थे। अजीत कुछ औजार अपने हाथ में लिए जा रहा था और उसने फिर से आवाज दी, दर्श वो औजार वहां से लेकर साफ करके रख दे, मैं रख के आता हूँ। दर्श गया औजार साफ करने। एक औरत अपने 10 साल के बच्चे के साथ नाराज होकर वहां से निकल रही थी, क्योंकि उसके बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला था और आज दाखिले का आखिरी दिन था। उस औरत की नजर दर्श पर गई और उसने अपना सारा गुस्सा दर्श पर निकालते हुए कहा, तुम अभी तक यहां टिके हुए हो? दर्श ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उस औरत ने गिनाते हुए कहा, एक मदद कर दो, इस स्कूल से निकल जाओ तो दूसरे बच्चों के लिए जगह हो। तुम्हारे जैसों की वजह से आज मेरे बच्चे को यहां दाखिला नहीं मिला, और एक तुम हो जो पिछले 5 सालों से यहीं सड़ रहे हो और फिर भी तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता है। तुम्हारे बाद आए भी तो तुमसे आगे निकल गए और तुम अभी भी बाहरी शिष्य ही हो। औरत का गुस्सा आसमान पर था, क्योंकि फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में दाखिला मिलना बड़े गर्व की बात मानी जाती है। स्कूल में शाम के अभ्यास की घंटी बजी। दर्श ने बड़ी शांति से उस औरत से कहा, देखिए अभ्यास का समय पूरा हो गया है, आप कल आ सकते हैं और यहाँ के वरिष्ठ से बात कर सकते हैं। औरत को यह सुनकर और गुस्सा आया और उसने दर्श को गिरेबान से पकड़ लिया। आसपास खड़े सब दंग रह गए। सब ये देख रहे थे पर कोई भी दर्श के बचाव में नहीं आया, क्योंकि स्कूल में जो मार्शल आर्ट्स का 4th स्तर पार ना कर सके उसे बाहरी शिष्य गिना जाता है और उसे नीचा देखा जाता है। बाहरी शिष्य के पास काम भी वैसे ही करवाए जाते हैं, जैसे कि साफ सफाई और औजार ठीक से रखना। दर्श को वैसे कोई नहीं जानता था, पर हर साल 4th स्तर पार करने की उसकी नाकामयाबी ने उसे वैसे स्कूल में अच्छा नाम दिया था और उसी नाम की वजह से उसके साथ इतने अच्छे व्यवहार नहीं होते थे। औरत ने फिर से दर्श से कहा, तुम जैसे यहां रह सकते हैं तो मेरा बेटा तो तुमसे काफी ज्यादा काबिल है। दर्श भले ही बाहरी शिष्य गिना जाता था पर वो उतना ही शांत और उतना ही अपने इरादे का मजबूत था। दर्श ने अभी भी उतनी ही शांति से उस औरत से कहा, देखिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझसे ऐसे बात ना करें। औरत का गुस्सा एकदम बढ़ गया और उसने दर्श को उसकी गिरेबान से पकड़कर हिलाकर बोला, अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे बात करनी? तुम जो 5 साल में खुद कुछ नहीं सीख पाया वो मुझे सिखाएगा? औरत के ऐसे बर्ताव से सब दंग रह गए। कोई दर्श की मदद को ना आया। औरत का गुस्सा बढ़ गया था। सबको लगा कि दर्श गया काम से, पर अचानक एक आवाज आई, बस। सबने मुड़ के देखा, सब दंग रह गए। वो आवाज चारू की थी। चारू स्कूल में वरिष्ठ थी, उसका वहां बहुत मान था। चारू कभी भी किसी भी शिष्य की कोई भी बात में बीच में नहीं बोलती थी, पर इस बार सब दंग थे, क्योंकि चारू ने पहली बार बाहरी शिष्य के लिए अपनी आवाज उठाई थी।
दर्श चारू को देखता ही रह गया। चारू ने उस औरत से कहा, तुम यहां से जा सकती हो। चारू को देख वो औरत भी शांत हो गई। चारू का प्रभाव ऐसा है कि उसके सामने कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। चारू के कहने पर वो औरत अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल गई। बाकी सब भी अपने कामों में लगने लगे। दर्श चारू के पास गया और उसने कहा, शुक्रिया बहन। चारू ने कहा, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, इतना तो कर ही सकती हूं तुम्हारे लिए। दर्श ने कहा, बेशक, पर ऐसे सबके सामने एक बाहरी शिष्य के लिए आवाज उठाना ठीक नहीं है। चारू ने कहा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। दर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, चारू तुम मेरी बहन हो, तुमने जो किया वो हमारे भाई बहन के रिश्ते के लिए ठीक है, पर यहाँ फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में क्या होता है वो मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। मैं बाहरी शिष्य हूँ। और इतने में एक आवाज आती है, और तुम हमेशा बाहरी शिष्य ही रहोगे। चारू और दर्श देखते हैं तो वहां चंद्रन है। चंद्रन, चारू और दर्श तीनों भाई बहन है। चंद्रन दर्श को हमेशा नीचा दिखाता है क्योंकि वो चौथा स्तर पार नहीं कर पाता। चारू, चंद्रन और दर्श केरला की प्रसिद्ध मलाबार परिवार से हैं। मलाबार परिवार से आज तक काफी होनहार और काफी तेज शिष्य फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल से निकले हैं। मलाबार परिवार की इज्जत और शान को ये बात चार चांद लगाती है, पर दर्श एक ही है जो इसमें नाकामयाब है और इसकी वजह से उसे पूरे परिवार से धिक्कार मिलती है। दर्श के साथ सिर्फ उसकी बड़ी बहन चारू और उसके पिता हर मुश्किल में खड़े रहते हैं, पर बार बार नाकामयाबी की वजह से दर्श के पिता का भी दर्श के ऊपर से विश्वास हिल गया था। चारू एक ही है जो हमेशा हर हाल में दर्श के साथ खड़ी रहती है। चंद्रन ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्यों, आज तो चारू ने बचा लिया, लेकिन कब तक ये अपमान सहते रहोगी और कब तक हमें भी उस अपमान को अपने सर पर लेना होगा। दर्श ने कहा, भैया आप क्यों अपमानित होंगे। चंद्रन ने कहा, बदनसीबी से तुम हमारे परिवार के जो हो, वैसे तुम्हें मलबार परिवार का कहलाने का कोई हक नहीं है। चारू ने चंद्रन को गुस्से से कहा, क्यों नहीं। दर्श को पता था कि चंद्रन बात कहां ले जा रहा था। चारू ने अपनी बात रखते हुए कहा, दर्श चौथा स्तर पार नहीं कर पा रहा, सिर्फ इसी कारण वो परिवार से बाहर तो नहीं हो जाता। चंद्रन ने कहा, यह मार्शल आर्ट्स की कला में पहला आना यह हमारे परिवार की एक परंपरा बन गई है और दर्श इसमें नाकामयाब है, और उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि परिवार की परंपरा परिवार के लोग निभाते हैं। दर्श तो यहां भी बाहरी शिष्य है और परिवार में भी बाहरी है। चारू ने चंद्रन से कहा, चंद्रन बस। चंद्रन ने कहा, चारू जानता हूं कि तुम्हें दर्श के प्रति बहुत प्रेम है, पर यह मत भूलो कि दर्श को पापा ने गोद लिया था, वो हमारे खानदान का खून नहीं है। दर्श ये सब एक हल्की सी मुस्कान के साथ सुन रहा था। चारू ने कहा, खानदानी और प्यार सिर्फ खून से नहीं मापी जाती, ये दर्श की खानदानी है जो वो तुम्हारे रोज के ताने चुपचाप सुन रहा है। चंद्रन ने कहा, क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे उसकी औकात पता है। चारू कहती है, औकात अगर सिर्फ फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में मार्शल आर्ट्स के चौथे स्तर से तय होती है तो दर्श वो भी पार करेगा। चंद्रन जोर से हंसता है। चारू, ये कोई भयानक सपने से कम नहीं है। चारू अपनी जेब से एक सुनहरी जड़ी बूटी निकालती है। उस सुनहरी जड़ी बूटी को देख चंद्रन की आंखें बड़ी हो जाती है। चंद्रन की आंखों में उस जड़ी बूटी को पाने की चाह नजर आती है। दर्श उस जड़ी बूटी को देख सिर्फ मुस्कुराता है। चंद्रन का चारू से बात करने का तरीका एकदम बदल जाता है। वो अब चारू से एकदम प्यार से बात करने लगता है। चंद्रन कहता है कि बहन, ये तुम्हारे पास है, तुम ये मेरे लिए लाई हो ना। चारू वो सुनहरी जड़ी बूटी दर्श के पास ले जाती है। चंद्रन कहता है, बहन ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ये जड़ी बूटी कितनी कीमती है। चारू कहती है, हाँ, पूरे साल में एक ही बार ये जड़ी बूटी खिलती है और हम उसे एक ही बार में निकाल सकते हैं, और ये हमारी अंदरूनी शक्ति से भी मिला सकती है। चंद्रन कहता है, ये जानते हुए भी तुम ये दर्श को देने जा रही हो, जो इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया वो अब क्या करेगा। तुम ये मुझे दे दो, वैसे भी ये जड़ी बूटी को खिलाने के बाद उसको उपयोग में लेने का हक सिर्फ हमारे परिवार को है, और दर्श से ज्यादा हक मेरा बनता है। चारू ने चंद्रन की बातों को अनसुना कर दिया। चारू दर्श को जड़ी बूटी देने जाती है तो चंद्रन दर्श के ऊपर अपनी कला का एक दाव करता है, और अचानक से ऐसा दाव के सामने दर्श टिक नहीं पाता और गिर जाता है, और चंद्रन फिर से उस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए अपनी काबिलियत दिखाता है, पर चारू दर्श को अपने एक हाथ से उठा लेती है और चंद्रन को दर्श से दूर रहने को कहती है, और फिर चारू दर्श को वो जड़ी बूटी दे देती है।
दर्श वो सुनहरी जड़ी बूटी को अपने हाथ में लेता है। पीछे हल्की सी बिजली की आवाज आती है। दर्श कहता है, चारू तुमने मेरे लिए जो सोचा और जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है मैं तुम्हारे इरादों पर खरा उतरूं। चंद्रन कहता है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। चौथे स्तर की परीक्षा कल ही है। तुम्हारा कोई कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। चारू, इस सुनहरी जड़ी बूटी दर्श को देने का अफसोस तुम्हें बहुत जल्द होगा। चारू कहती है, फिलहाल तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हें यहां होने का अफसोस ज्यादा होगा। चारू की आंखों को देख चंद्रन डर जाता है और वहां से निकल जाता है। दर्श चारू को हाथ जोड़ के नमन करके वहां से निकलता है। दर्श थका हारा अपने कमरे में आता है, बैठ जाता है। उसे चंद्रन की बात याद आई कि कल चौथे स्तर की परीक्षा है। दर्श अपनी जेब से सुनहरी जड़ी बूटी निकालता है। दर्श को याद आता है कि आज से 5 साल पहले एक जोर की बिजली गिरी थी जिसने पूरे आइलैंड को नष्ट कर दिया था। उस आंधी का नुकसान ऐसा था कि एक पेड़ या एक पत्ता कुछ भी नहीं बचा था। सब वीरान हो गया था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। और एक 10 साल का लड़का वहां दौड़ के वो तूफान से भरे आसमान के नीचे भाग गया था। बच्चा और कोई नहीं, दर्श था। 5 साल हुए इस बात को। काफी लोगों ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, वो तूफान आखिर कैसे और कौन सी दिशा से आया, पर कोई सुराग ना था। बहुत खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला था। दर्श वो जड़ी बूटी को देखता रहा। उसकी नजर के सामने एक झटके में उसका पूरा दिन तेजी से गुजर गया। दर्श के दिमाग में सबकी कही हुई बातें, सबके ताने उसे सुनाई दे रहे थे। दर्श नाराज होने वालों में से नहीं था। वो ताने, अपमान, चंद्रन का कहा सब याद करके भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दर्श को एक बार के लिए लगा कि यह जड़ी बूटी उसे चारू को वापस कर देनी चाहिए। शायद चंद्रन की बात सच है, वो ये जड़ी बूटी के काबिल नहीं है। दर्श वो सुनहरी जड़ी बूटी को बाजू में रख के सो गया। अचानक दर्श को हल्की सी बिजली की आवाज सुनाई दी। दर्श की आंखें खुली और उसने अंधेरे में देखा वो सुनहरी जड़ी बूटी एक दिए की तरह चमक रही थी। दर्श उस चमक से अपनी नजरें हटा नहीं पाया। दर्श उठ के बैठ गया। दर्श ने उस जड़ी बूटी को देखा और सोचा कि जैसे 5 साल पहले वो तूफान आया था और उस तूफान से दर्श की जिंदगी में जो बदलाव आया था, शायद ही जड़ी बूटी भी उस तूफान की तरह दर्श की जिंदगी बदल दे। दर्श ने उस जड़ी बूटी को अपने हाथों में लिया और दोनों हथेलियों के बीच उसे रखा। अपनी आंखें बंद करके उसने वो जड़ी बूटी को अपने हथेलियों के बीच घिसा। अचानक उस जड़ी बूटी में से एक सुनहरा धुआं निकला। दर्श के रोम रोम में एक अजीब सा झटका लगा, जैसे फिर से वो आंधी तूफान आया हो, वही 9 रंग की लकीरें आसमान में खिंच गई हो, उतनी ही तेज बिजली गिरी हो। दर्श ने एकदम चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। दर्श की आंखों में रोशनी की एक किरण समा गई। दर्श को शायद उसका अंदाजा भी नहीं हुआ। दर्श फिर से अपनी वही मुस्कान लिए अपने हथेलियों को देखता रहा जिसमें उसने जड़ी बूटी घिसी थी। दर्श के अंदर एक अलग ही शक्ति का प्रवेश हो चुका था जिसका अंदाजा फिलहाल उसे खुद नहीं था। क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में चल रहे मार्शल आर्ट्स के अभ्यास में 4 स्तर थे और हर एक स्तर में 9 अलग अलग छोटे स्तर हैं। पहले 2 स्तर 15 महीने में पार किए जा सकते हैं उनका अभ्यास करके। उसके बाद 3रा स्तर आता है। जो 3रा स्तर पार कर पाता है उसे 4थे स्तर के लिए पुस्तक हासिल करने का हक मिलता है। काफी शिष्य 3रे स्तर में ही हार जाते हैं और जो 3रा स्तर पार कर 4थे स्तर की ओर नहीं पहुंच सकता वो बाहरी शिष्य में गिना जाता है। दर्श को फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में दाखिला लिए 5 साल हो गए थे और उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। दर्श ने कुछ ही महीने में पहले 2 स्तर पार कर लिए थे, पर 3रे स्तर में वो पिछले 5 साल से हार रहा है। उसका कारण है 5 साल पहले वाला हादसा। 5 साल पहले जो आंधी तूफान आया था और दर्श जब उस आसमान के नीचे जाकर खड़ा हो गया था, तब उस तूफान से दर्श भी प्रभावित हुआ था। उस दिन से दर्श के अंदर 9 बड़े राक्षस की ऊर्जा थी और इसी ऊर्जा के कारण दर्श ने पहले 2 स्तर झट से पार कर दिए थे। पर जैसे हर चीज को ईंधन लगता है, वैसे ही उस ऊर्जा को भी ईंधन की जरूरत थी। समय के साथ दर्श के अंदर की वो ऊर्जा ढलती गई और वो 3रे स्तर में नाकामयाब होने लगा और लगातार 5 साल तक ये किस्सा चला। और आज 5 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से बिजली गिरी थी। दर्श जाग उठा। उसने खुद को देखा
उसे अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। दर्श ने खुद से कहा, कामयाब, पूरे 5 साल बाद फिर से कामयाब। इसी दिन का इंतजार था। जब तक ये शक्ति मेरे अंदर है, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। दर्श ने अपने हाथ, अपनी आंखें, सब ध्यान से आईने में देखा। दर्श को लग रहा था कि वो ऊर्जा इतनी तेज है कि अभी उसकी चमड़ी को चीर के बाहर निकलेगी। दर्श मुस्कुराया। इस बार की उसकी मुस्कुराहट में अलग ही जादू था। वो जानता था कि लगातार और दूसरे 5 साल भी अभ्यास करता, फिर भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि उसे जिसकी जरूरत थी वो थी ये ऊर्जा। दर्श ने खुद से कहा, पिताजी, आज तक आपने मेरी वजह से जो भी कुछ सुना है, जो कुछ भी सहन किया है, वो सब का अंत होगा। चारू, तुम्हारे भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। दर्श को याद आता है कि कैसे इतने बड़े मलाबार परिवार में हमेशा उसे धिक्कारा जाता था। आज तक अगर वो ये सब झेल पाया है तो सिर्फ चारू और उसके पिताजी के सहकार की वजह से। अपने पिताजी का सपना पूरा करेगा, ये सोच से ही दर्श फूले नहीं समा रहा था। दर्श बाहर निकला। पूरा मैदान हजारों शिष्यों से भरा है। उसने देखा कि सब लोग परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। कोई बार बार दाव का अभ्यास कर रहा है, तो कोई ध्यान में बैठा है, तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है परीक्षा पार करने के लिए। बहुत ही गंभीर माहौल बना हुआ है, जैसे स्तर पार करना ही जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य हो, ऐसे सब शिष्य अपना अभ्यास कर रहे हैं। अचानक दर्श पर किसी ने पीछे से वार किया। दर्श झुक गया। इस बार वो वार से बच गया और वो सामने वाले पर दाव खेलने ही जा रहा था, पर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि सामने चंद्रन था। चंद्रन हंसा, क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा तुम अभी मुझ पर दाव खेल के मुझे दूर फेंक दोगे। दर्श, मैं ऐसा क्यों करूंगा भैया? चंद्रन ने व्यंग में कहा, तुम्हारे पास तो सुनहरी जड़ी बूटी है ना, भूल गए? कल तुमने धोखे से चारू के पास से वो ले ली थी। भैया, मैंने कोई धोखा नहीं किया। चारू ने अपनी मर्जी से मुझे वो सुनहरी जड़ी बूटी दी है, और अगर मैं आज ये परीक्षा पार कर लेता हूँ तो मैं खुद वो जड़ी बूटी चारू को वापस दे दूंगा। चंद्रन हमेशा की तरह आज भी दर्श को नीचा दिखा रहा था, पर दर्श की मुस्कान ने चंद्रन के इरादे को हिला के रख दिया था। चारू ये सब दूर से देख रही थी। एक आखिरी अभ्यास की घोषणा हुई। परीक्षा में भाग लेने वाले सब शिष्य को एक साथ अभ्यास करना था, वो भी दिए गए कुछ समय में, और सबसे वरिष्ठ उन सब पर नजर रखने वाले थे। अभ्यास शुरू हुआ। सब शिष्य अलग अलग दाव का अभ्यास करने लगे। कोई हाथ से दाव खेल रहा था, कोई पैर से दाव खेल रहा था, कोई औजार का इस्तेमाल कर रहा था। दर्श भी सबके साथ था, पर हर बार की तरह आसपास के शिष्य के औजार लगने से दर्श गिर पड़ा। चंद्रन इस बात से खुशी मना रहा था, पर चारू को अभी दर्श पर भरोसा था। दर्श एकदम से उठकर दाव खेलने गया, पर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो अपनी ताकत फिलहाल किसी को दिखाना नहीं चाहता था। इतने में एक आवाज आई, शांति। सब शांत हो गए। सबने देखा सामने देवी है। देवी, फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में पहले नंबर पर रहने वाली एकमात्र लड़की। देवी 12 साल की थी जब उसने ये स्कूल में दाखिला लिया था, और 15 साल की हुई तब तक उसने तीसरा स्तर पार कर लिया था। वो पहले नंबर पर थी, पर अचानक वो बड़ी हो गई। वो 20 साल की हो गई, और इस 5 साल में वो पहले क्रमांक को अपने पास क्यों नहीं रख पाई, वो अब तक एक राज ही है। पर आज भी देवी का स्कूल में बहुत मान सम्मान है। देवी को देख सब हजारों शिष्य अपने घुटने पर आ गए। देवी ने कहा, आज सबसे महत्व, सबसे तेज स्तर, तीसरी स्तर की परीक्षा का दिन है, क्या सब तैयार हैं? सब ने अपना सर झुकाकर देवी को हाँ कहा। देवी ने कहा, इस बार परीक्षा में पहले आने वाले को ना सिर्फ चौथे स्तर की पुस्तक हासिल करने का हक मिलेगा, पर साथ में एक इनाम भी मिलेगा। सब शिष्य में अंदर अंदर चर्चा होने लगी कि इनाम मिलेगा, कैसा होगा, क्या होगा? आज तक कभी ऐसे इनाम की घोषणा नहीं हुई है। देवी ने अपना हाथ उठाया और सब चुप हो गए। देवी ने अपने पीछे बड़ा सा धातु का दरवाजा दिखाया और कहा, ये दरवाजा तुम सबकी किस्मत तय करेगा। इस दरवाजे से अंदर जाना है, और अंदर की परीक्षा पार करते हुए जो दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेगा वो विजेता होगा। उस विजेता को चौथे स्तर की पुस्तक मिलेगी और एक शानदार इनाम। फिर से ये सब शिष्यों में बात होने लगी। सब इस परीक्षा के लिए और उसमें मिलने वाले इनाम के लिए उत्साहित थे, पर साथ ही सबको पता था कि ये बहुत कठिन रहने वाला है। सब अंदर अंदर बात कर रहे थे, इतने में इंद्रजीत बाहर से कूदकर सबके बीच में आया। इंद्रजीत बहुत ही तेज शिष्य था, और वो इस परीक्षा के लिए बहुत ही योग्य था।
वैसे इंद्रजीत ने तीसरा स्तर पार कर लिया है और वो चौथे स्तर की पुस्तक के लिए काबिल है, पर वो फिर से इस परीक्षा में आया है और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, विशेष इनाम। काफी बार वरिष्ठ शिष्य भी परीक्षा फिर से देते हैं इनाम के लिए, और साथ दूसरे स्तर के शिष्य भी उस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं जिसमें से काफी नाकामयाब ही होते हैं। पर ये परीक्षा और उसका महत्व ही इतना है कि उसके सामने पूरी जिंदगी की कीमत भी कम लगी। इंद्रजीत का आत्मविश्वास आसमान को छू रहा था। उसे देख सबको लग रहा था कि वो ही ये परीक्षा पार करेगा, पर ये सब क्षणिक था। हरि के आते ही इंद्रजीत का ऑरा जैसे खत्म ही हो गया। सब जानते थे कि इंद्रजीत के सामने हरि बराबर की टक्कर दे सकता है, क्योंकि हरि भी तीसरे स्तर को पार कर चुका था। इंद्रजीत और हरि एक दूसरे के सामने आए। पूरा माहौल शोर से भर गया। इंद्रजीत और हरि एक दूसरे को टशन से देख रहे थे। वहीं पर एक वरिष्ठ की नजर दर्श पर गई। दर्श की शक्तियों ने उसके आसपास ऐसा ऑरा बनाया था कि दर्श एक तारे की तरह चमक रहा था। इस बात का अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। इतने शोर शराबे में जहां सब इंद्रजीत और हरि के नाम से चिल्ला रहे थे, वहां दर्श ने बिना कुछ बोले और बिना कुछ किए वरिष्ठ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सबके बीच में अचानक उस वरिष्ठ ने दर्श की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो कौन है। सबकी नजर दर्श की ओर गई। वरिष्ठ ने कहा, तुम कौन हो और इतना आत्मविश्वास क्यों छलक रहा है तुम में? दर्श को पता चल गया कि उसकी शक्ति ने इनका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दर्श ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। इंद्रजीत और हरि भी दर्श की आंखें और उसका आत्मविश्वास देखकर हिल गए। इंद्रजीत बोला, कौन हो तुम? हरि ने कहा, किस बात का घमंड है तुम्हें? दर्श सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। वहीं पर देवी फिर से अपनी जगह पर आई। फिर से पूरा माहौल शांत हो गया। देवी के साथ खड़े वरिष्ठ ने सबको कहा कि ये दरवाजा खुलेगा और सबको इस दरवाजे से अंदर जाना है और गुफा से पार होकर एक हॉल में जाना है। वो हॉल में जो होगा उसमें से उभर कर वहां से दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना है। सब जानते थे कि वो हॉल में क्या होने वाला है। वो हॉल में बड़े बड़े धातु के राक्षस हैं और उन राक्षसों से जीतना सबके लिए मुमकिन नहीं है। पहले तो उस हॉल में पहुंचना ही सबसे बड़ा कार्य है। सब शिष्य इस परीक्षा की गंभीरता और उससे जुड़ा खतरा जानते थे, पर इस परीक्षा को पार करना ही उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा काम था। सब उस दरवाजे की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, वहीं पर देवी ने अपना हाथ उठाया और फिर से सब चुप हो गए। देवी ने कहा, इस परीक्षा में पहला जो भी आएगा उसे विशेष इनाम तो मिलेगा ही, पर साथ में 5 सुनहरी जड़ी बूटी भी मिलेगी। ये सुनकर 10,000 से भी ज्यादा शिष्यों से भरे इस मैदान में हलबलाहट मच गई। सब दंग रह गए। 5 सुनहरी जड़ी बूटी, क्या ये सच में मुमकिन है? क्योंकि सुनहरी जड़ी बूटी पूरे साल में मलबार परिवार को भी सिर्फ एक ही मिलती थी, और मैदान में हाजिर काफी शिष्य सुनहरी जड़ी बूटी से रिलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी उसे देखा ही नहीं था और उसे पाने की सोच भी नहीं सकते थे। वहीं पर इंद्रजीत ने अचानक बोल दिया, क्या ये 5 सुनहरी जड़ी बूटियां ही विशेष इनाम है? इंद्रजीत के सवाल पर हरि छुप कर हंसा। वरिष्ठ ने इंद्रजीत को तेज नजर से देखा। सबको इंद्रजीत के सवाल पर हंसी तो आ ही रही थी, पर साथ में उसने देवी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत की, उस मूर्खता पर ज्यादा हंसी आ रही थी। दर्श ये सब शांति से देख रहा था। इंद्रजीत ने हाथ जोड़कर अपनी हरकत के लिए माफी मांग ली। देवी ने दरवाजे की ओर देखा। सब परीक्षा के लिए तैयार हो गए। देवी ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की और वो धातु का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे दरवाजा खुलने लगा, सब शिष्य बेचैन होने लगे। दर्श की नजर उस दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसकी आंख में अलग ही आत्मविश्वास था। दर्श के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता हो कि उसे इस परीक्षा को कैसे पार करना है। चारों दर्श को देख रही थी, पर दर्श की नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। दरवाजा पूरा खुल चुका था। अब इंतजार सिर्फ एक ही बात का था, देवी के इशारे का। देवी ने अपनी आंखें बंद करके एक मुद्रा धारण की थी। जैसे ही उस गुफा का दरवाजा पूरा खुल गया, देवी ने झटके से अपनी आंखें खोली और कहा, जाओ। देवी के इस आदेश से सब शिष्य भागे उस गुफा में। सबसे पहले इंद्रजीत और हरि गए। हजारों की संख्या में सब शिष्य उस गुफा में अपने अभ्यास का उपयोग करके पहले क्रमांक पर आने के लिए भागे। चारू दर्श को देखती रही और दर्श आसपास देखे बिना सबके साथ उस गुफा में भागा। ये पूरा माहौल जितना उत्साह और जोश से भरा हुआ दिख रहा था, उतना ही खतरनाक और कठिन भी था। गुफा में जिस जोश के साथ सब शिष्य भागे थे,
उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अंदर जाकर उनकी कैसी परीक्षा होने वाली है। चारू की नजर दर्श पर ही थी। वो इतनी बेचैन लग रही थी कि शायद दर्श एक बार उसे देख ले तो वो उसे कुछ पूछना या कहना चाहती हो, पर दर्श बिना किसी को देखे सीधा गुफा में चला गया। चारू ने अपनी आंखें बंद करके दर्श के लिए प्रार्थना की। वैसे चारू बहुत ही शांत और सुलझी हुई है, पर जब दर्श की बात आती है तो वो बहुत भावुक हो जाती है। चंद्रन चारू के पास आकर बोला, चारू प्रार्थना करने से कुछ होता तो दर्श 5 साल से नाकामयाब नहीं होता। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने वो कीमती जड़ी बूटी दर्श को देकर कितनी बड़ी गलती की है। चारू ने चंद्रन को जवाब नहीं दिया। सब शिष्य गुफा में जा चुके थे। देवी ने अपने दोनों हाथ उठाकर एक मंत्र बोला और मानो जैसे तूफान आया हो वैसे गुफा में से जोर से आवाज आई। साथ में सब शिष्यों की आवाज भी आई और चारू एकदम से दंग रह गई। वहां मौजूद सब लोग उस आवाज से दंग रह गए कि आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ। जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। पांच सुनहरी जड़ी बूटी, ऐसा फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में पहली बार देखा और सुना। जिस चीज को देखना भी काफी लोगों को नसीब नहीं होता, आज वो चीज इनाम के तौर पर रखी गई है। देवी जाकर अपनी ऊर्जा में बैठ गई। देवी अपनी ऊर्जा में रहकर परीक्षा में भाग लिए शिष्यों को देख सकती है। वो इस ऊर्जा से गुफा के पत्थर की आर पार देख सकती है और वैसे ही शक्ति उनके साथ रहने वाले वरिष्ठ में भी है। गुफा में से सब शिष्यों की आवाज आने लगी थी, क्योंकि जब देवी ने अपने दोनों हाथ उठाए थे तब गुफा में तकरीबन 100 मीटर तक अंदर जाने के बाद अचानक पत्थर में से चांदी की सुइयां निकलने लगी। वो सुइयों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो किसी ने तीर छोड़े हों। बेशक वो सुइयां इतनी धारदार नहीं थी कि किसी शिष्य को जान हानि हो, पर हाँ परीक्षा पार करने में मुश्किल जरूर बढ़ाती है। सुइयों के इस खतरनाक बारिश से सब शिष्य हिल गए थे। उन्हें अंदाजा आ गया था कि अब असली परीक्षा शुरू हुई है। इंद्रजीत और हरि इन सुइयों से बचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। काफी शिष्य इन सुइयों से बचने के लिए जमीन पर लेट गए। धीरे धीरे सुइयां बढ़ने लगी और उनकी रफ्तार भी। इस सुइयों की रफ्तार का सामना करके आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। इंद्रजीत आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसके चेहरे के सामने ही सुई आई और वो पत्थर से चिपक गया और वो सुई बाजू में से निकल गई। हरि भी एक बार खुद को बचाने के लिए जमीन पर लेट गया। दर्शी सब ध्यान से देख रहा था। गुफा में अंधेरा था पर सब थोड़ी दूर तक देख सकते थे। दर्श एक बार उठा आगे बढ़ने के लिए, पर फिर से उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वो अपनी ताकत किसी को दिखाना नहीं चाहता था। इंद्रजीत सुई से बचने गया तो उसमें उसका संतुलन गया और वो दर्श पर गिरा। दर्श ने मुस्कुराते हुए इंद्रजीत से कहा, आप तो मुझसे बड़े हैं, आप तो ये तुरंत पार कर लेंगे। इंद्रजीत ने जवाब दिया, ये परीक्षा उम्र और अनुभव की नहीं ताकत की है। अगर तुम ये परीक्षा पार करते हो तो हम इस परीक्षा के बाद उम्र की बात करेंगे। अगर मैं परीक्षा को पार करता हूँ तो हम ताकत की बात करेंगे। और हाँ, वो ताकत इतनी आसानी से नहीं आती, बहुत श्रम करना पड़ता है उसके लिए। इंद्रजीत ने इतना कहा और अचानक सुई की बारिश बढ़ गई। अब तो इस बारिश का सामना करके आगे बढ़ना मानो जैसे नामुमकिन हो गया था। सब बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है और तूफान के सामने हवा का झोंका नहीं टिकता। वैसे ही सुई का सामना करने के लिए वैसे ही तूफान की जरूरत थी और दर्श ये बात समझ गया था। सुइयों का आक्रमण बढ़ रहा था और काफी शिष्य जहां से गुफा में अंदर गए थे वहीं से बाहर गिरने लगे। बाकी सब उनको देखकर तंग रह गए। उनकी हालत देखकर सबने इस परीक्षा की आक्रामकता का अंदाजा लगा लिया था। बढ़ती सुइयों के आक्रमण के साथ इंद्रजीत और हरि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और अचानक गुफा में धुआं होने लगा। वैसे ही वहां कम दिखाई दे रहा था और धुएं की वजह से अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। इंद्रजीत और हरि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों खुद को संभाले, इतने में उनके पास से जोर से कुछ निकल गया, बहुत तेजी से। सब सुइयों को चीरता हुआ आगे निकल गया। हरि ने सिर्फ एक साया देखा। हरि को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। इतनी आक्रामक सुइयों के सामने खड़े रहना मुश्किल था और ऐसे इनको चीर कर कोई कैसे जा सकता है। क्या कोई शिष्य था या फिर सिर्फ मेरा वहम था। इंद्रजीत और हरि को धुएं में से कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ कुछ बहुत तेजी से सब सुइयों को चीरता हुआ निकला, उतना ही पता है। इंद्रजीत और हरि को लगा शायद ये भी परीक्षा का कोई भाग हो, पर वो कुछ समझ नहीं पाए। वो तेजी से सुइयों को चीरता हुआ निकलने वाला और कोई नहीं पर दर्श था।
जैसे ही धुआं उठा, दर्श ने उसका फायदा उठाकर अपनी शक्ति का उपयोग करके उस गुफा में से एक तेज तीर की तरह, एक आंधी की तरह निकल गया। दर्श की ये रफ्तार से अपनी ऊर्जा में बैठी देवी भी हिल गई। देवी ने देखा एक शिष्य ने गुफा को इतनी जल्दी पार कर दिया, और वो भी तब जब सुइयों का आक्रमण उसकी चरम सीमा पर था। वरिष्ठ तुरंत देवी के पास आया और उनसे कहा, देवी आपके ध्यान में खेद देने के लिए माफी चाहता हूं, पर गुफा में से। देवी ने वरिष्ठ को रोकते हुए कहा, पता है, मैंने देखा, कौन है ये? वरिष्ठ ने जवाब दिया, क्षमा चाहता हूं देवी, पर हम नहीं जानते ये कौन है। देवी ने अपनी आंखें खोली। वरिष्ठ डर गए। देवी ने कहा, आज तक इस गुफा को इतनी तेजी से इतने कम समय में कोई पार नहीं कर पाया, और आज अचानक ये क्या हो गया? और तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जानती ये कौन है? वरिष्ठ ने कहा, जी नहीं, पक्का ये इंद्रजीत या हरि नहीं है। ऐसी शक्ति और ऐसी रफ्तार आज से पहले फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल को किसी भी शिष्य ने कोई भी परीक्षा में नहीं दिखाई। देवी, इतना होनहार शिष्य तुम्हारी नजर में आज तक क्यों नहीं आया? वरिष्ठ ने अपना सर झुका दिया। देवी कुछ बोलने जा रही थी कि उन्हें फिर से एक आभास हुआ। दर्श गुफा पार करके अब वो बड़े कमरे में पहुंच गया था, और वहां कमरे के बीचों बीच बड़ा सा मंच था, उसके ऊपर खड़ा था। दर्श अपने आसपास देख रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी, और उसके रोम रोम में अलग ही स्फूर्ति और ऊर्जा थी। उसकी ऊर्जा उसके ऑरा को मजबूत कर रही थी, और वो ऊर्जा देवी तक पहुंच रही थी। देवी और वरिष्ठ दंग थे। उनके लिए यह आश्चर्यजनक किस्सा था। देवी ने कहा, इसकी शक्ति का अंदाजा लगाना होगा। अगर ये गुफा को इतने कम समय में पार कर सकता है, तो क्यों ना आगे की परीक्षा उसके लिए थोड़ी और मजेदार बनाई जाए। दर्श जिस रफ्तार से गुफा से कमरे में आया, वो कमरे में पत्थर की दीवार से टकराया था। वैसे वो पत्थर कभी हिलते नहीं है, पर दर्श जिस जोर से टकराया था वो पत्थर हिल गए थे। दर्श को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, और वो सही सलामत कमरे में मंच पर पहुंच गया था। देवी ने अपने हाथ उठाए जैसे वो कोई पत्थर को हिला रही हो, वैसे हवा में अपने हाथ किए, और उस बड़े से कमरे में जहां दर्श खड़ा था, वहां के तीन पत्थर हिलने शुरू हुए। दर्श चौकन्ना हो गया। उसने धातु के राक्षस के बारे में सुना था, पर इस बार जो हुआ वो पहले कभी ना हुआ था। देवी ने तीन पत्थर हिलाने की कोशिश की थी, पर उस तीन पत्थर के साथ बाकी के पत्थर भी हिल गए थे जिस पर दर्श टकराया था, और उसमें से तकरीबन 40 धातु के राक्षस बाहर आने शुरू हो गए थे। देवी और वरिष्ठ ने ये सब देखा, और वो लोग दंग रह गए। देवी परीक्षा कठिन करना चाहती थी, पर इतनी भी कठिन नहीं। इन 40 राक्षस का सामना करना नामुमकिन था। वैसे तो परीक्षा में कभी जानहानि नहीं होती थी, पर आज माहौल अलग और बिगड़ गया था। देवी और वरिष्ठ दोनों चिंता में थे कि अब क्या होगा। देवी अब कुछ नहीं कर सकती थी। देवी ने वरिष्ठ से कहा, वो शिष्य से पत्थर हिल गया था, वो पहले क्यों नहीं बताया? अब देवी और वरिष्ठ भी बहुत चिंता में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिष्य इसमें से कैसे बाहर आएगा, और परीक्षा रोकने का कोई तरीका भी नहीं था। दर्श ने एक साथ पत्थर के दरवाजे खोलते देखे। दर्श ने पहले तो इतने सारे राक्षस एक साथ आते देखे और कहा, ये क्या मजाक है, मेरे साथ ही कैसा खेल खेला जा रहा है। राक्षस आगे बढ़ रहे थे, शेर से भी ज्यादा बड़े धातु के राक्षस। वो इतने डरावने दिख रहे थे कि कोई भी उन्हें देख वापस लौट जाता, पर दर्श ने अपनी तैयारी कर ली थी। एक राक्षस दर्श की ओर बढ़ा, और उसने दर्श से कहा, वापस चले जाओ। वो राक्षस ने अपना मुंह खोला, और उसमें से ही तूफान जैसी हवा निकली, और उसकी आवाज दर्श के कानों में जोर से लगी, और वो आवाज उसके कानों की इंद्रियों को चीरते हुए उसके दिमाग और उसके रोम रोम में पहुंच गई, मानो जैसे करंट लगा हो। पर उस करंट से दर्श की शक्तियां जैसे जाग उठी हो। वो राक्षस मंच के ऊपर आकर दर्श पर हमला करने ही वाला था कि दर्श तुरंत उड़कर सामने की दीवार पर ऊपर जाकर खड़ा हो गया। दर्श ने कहा, मैं जाऊंगा पर तुम्हारे कहने पर नहीं, और तुमसे हार कर तो बिल्कुल भी नहीं। दर्श की आंखों में अलग ही चमक आई। उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली। तीन राक्षस दर्श पर हमला करने गए, पर तुरंत दर्श ने अपनी आंखें खोलकर उन्हें मार दिया। तीनों राक्षस नीचे गिर गए। उन्हें नीचे गिरा देख बाकी के राक्षस और गुस्से से दर्श की ओर बढ़े। दर्श अब एक जगह से दूसरी जगह कूदकर राक्षसों से बचकर उन पर हमला कर रहा था। सब राक्षस अपनी पूरी ताकत लगाकर दर्श के ऊपर हमला कर रहे थे। दर्श एक के बाद एक राक्षस को मार रहा था। देवी और वरिष्ठ दर्श का ये रूप देखकर चौंक गए थे। उन्हें पता था कि ये जो राक्षस हैं, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। वैसे तो 4 राक्षस ही उस बड़े से कमरे में आने वाले थे, पर सारे पत्थर हिलने की वजह से 40 राक्षस एक साथ आ गए थे।
पूरा कमरा उन 40 राक्षसों से भर गया था और दर्श उन सबके बीच अकेला था। देवी ने वरिष्ठ से कहा, आज ये शिष्य बच जाए तो परीक्षा में पहले आने से भी ज्यादा महत्व का होगा। वरिष्ठ ने कहा, देवी जिस तरह से ये शिष्य सबका सामना कर रहा है, ये कोई साधारण शिष्य नहीं है, पर हमें डर वो बड़े राक्षस का है। देवी ने कहा, राक्षस बड़ा हो या छोटा वो महत्व का नहीं है, मार्शल आर्ट्स में एक ही चीज काम आती है और वो है ताकत। वरिष्ठ ने कहा, पर देवी आपको लगता है कि ये शिष्य ज्यादा देर तक अपनी ताकत को बनाए रख पाएगा? देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से अपनी ऊर्जा में खो गई। चंद्रन ने यह सब सुन लिया था। चंद्रन तुरंत चारू के पास गया और उसे सब बताया। चारू ने कहा, पहले तो तुमने देवी की बातें सुनने की गलती की, और तुम जानते हो कि इसकी क्या सजा हो सकती है? चंद्रन ने कहा, सजा की बात जाने दो, जिस हिसाब से परीक्षा चल रही है एक बात तय है, या तो दर्श गुफा में अटक गया है या फिर। चंद्रन ऐसा इशारा किया जैसे दर्श को कुछ हो गया है। चारू ने चंद्रन को गुस्से से देखा और कहा, देवी की ऊर्जा परीक्षा में लगी थी इसलिए तुम बच गए, वरना उनकी बातें सुनने की सजा वहीं पर मिलती तुम्हें। चारू इतना कहकर वहां से निकल गई। राक्षसों का हमला बढ़ रहा था। दर्श हिम्मत हारे बिना सबसे लड़ रहा था। इतने राक्षसों का सामना दर्श एक मुस्कान के साथ कर रहा था। सबके साथ लड़ते हुए दर्श को भी काफी चोट लग गई थी, पर उसे वो चोट का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। दर्श उन राक्षसों से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो गया था। देवी और वरिष्ठ ये सब देखकर चौंक गए थे कि दर्श ने 40 राक्षसों में से करीब सारे राक्षसों को मार दिया था, पर अब जो होने वाला था अब तक का सबसे भयानक किस्सा होने वाला था। आखिरी और सबसे बड़ा राक्षस बाकी था। दर्श सब राक्षसों को मारकर फिर से मंच पर चढ़ गया था। उसने ऊपर देखा तो उसे वो 5 सुनहरी जड़ी बूटियां दिखी। दर्श को लगा वो जीत गया। वो खुशी से चिल्लाया। उसकी खुशी की सीमा ना थी। पिछले 5 सालों से वो जो हासिल करना चाहता था वो उसके बहुत करीब था, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। दर्श वो 5 सुनहरी जड़ी बूटियों को देख रहा था। उस जड़ी बूटी के पास जाने के लिए हवा में उड़ा, और जैसे ही वो उसे छूने जा रहा था कि पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया। दर्श पूरा हिल गया। उसे पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। दर्श को उसका अंदाजा नहीं था। वो सबसे बड़ा राक्षस था। दर्श उस राक्षस की पकड़ में आ गया था। देवी और वरिष्ठ ये देख चिंता में पड़ गए। वो चाहकर भी दर्श की मदद नहीं कर सकते थे और ना ही उस राक्षस को वापस भेज सकते थे। अब जो करना था वो सब दर्श को ही करना था। वरिष्ठ ने कहा, देवी। देवी ने कहा, जब तक वो अपनी ताकत नहीं हारेगा तब तक उसे कोई नहीं हरा पाएगा। दर्श ने खुद को उस राक्षस के पंजे से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ नहीं कर पाया। राक्षस ने दर्श को पीछे से गर्दन से पकड़ लिया और उसके हाथ को पीछे मोड़ दिया। इतने राक्षसों को हराने के बाद दर्श आखिरी राक्षस और सबसे बड़ी राक्षस की पकड़ में आ गया था। क्या होने वाला था आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। दर्श वो राक्षस की पकड़ में फंस गया था। दर्श ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उल्टी छलांग लगाई। दर्श वो राक्षस के हाथ से छूट गया। दर्श ने उस राक्षस को जोर से मुक्का मारा। वो राक्षस अपनी जगह से हिला नहीं। दर्श को भी हाथ से झटका लगा। दर्श को लगा कि उसका वार खाली गया, पर फिर उसने देखा कि वो राक्षस दर्द से कराह रहा है। दर्श समझ गया कि उस राक्षस को मार लगी है, पर वो दूसरे सभी राक्षस से ज्यादा ताकतवर है। राक्षस बोला, आखिरी बार बोलता हूँ, जान प्यारी है तो लौट जाओ। दर्श मुस्कुराया और बोला, देखते हैं किसको जान प्यारी है, तुम्हें या मुझे। राक्षस दर्श की ओर बढ़ा और दर्श ने उसे फिर से मुक्का मारा। अब दर्श हवा में उड़कर हर तरफ से राक्षस को मार रहा था। वो राक्षस दर्श से 4 गुना बड़ा था, और इसलिए वो दर्श की तेजी से घूम नहीं पा रहा था। और दर्श ने इसी का फायदा उठाया और उस राक्षस को निरंतर बिना रुके मारता रहा। वो राक्षस दर्द से कराहता रहा। देवी और वरिष्ठ ये देखकर चौंक गए। देवी ने कहा, इतना उत्तम शिष्य और अब तक तुम्हारी नजर से छुपा रहा। वरिष्ठ ने कहा, बाहर शिष्य बहुत हैं स्कूल में, सबको हम नहीं जानते, और शायद ये शिष्य अपनी शक्तियां छुपा कर रखना चाहता है। देवी ने कहा, वो अपनी शक्ति छुपा के रखना चाहता है तो हम इस बात का मान रखेंगे, हम भी उसे पता नहीं लगने देंगे कि हमने उसकी शक्ति देख ली है। दर्श राक्षस को मारता रहा। राक्षस अपनी ताकत हारने लगा। दर्श ने उस राक्षस को जमीन पर गिरा दिया।
और राक्षस मर चुका था। देवी और वरिष्ठ दंग रह गए। दर्श ने उस राक्षस को देखा। दर्श ने आसपास सारे मरे हुए राक्षसों को देखा। दर्श को अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। दर्श उड़कर वो मंच पर गया। ऊपर मंच से उसने एक बार फिर से पूरे कमरे का नजारा देखा। सारे राक्षस खून में लथपथ पड़े थे। दर्श ने आज जो किया था वो शायद फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल के बड़े से बड़ा शिष्य भी अकेला नहीं कर पाता। दर्श ने ऊपर लटकती सुनहरी जड़ी बूटी को देखा। उसने एक छलांग लगा कि वो 5 सुनहरी जड़ी बूटी ले ली और उसकी नजर वो बंद दरवाजे की ओर गई। दर्श को पता था कि वो अगर उस दरवाजे से बाहर निकलेगा तो सब लोग उसकी तारीफ करते थकेंगे नहीं और वो पहला नंबर आ जाएगा। पर दर्श के मन में क्या चल रहा था ये तो वो ही जाने। दर्श ने वो जीत का दरवाजा नहीं खोला और 5 सुनहरी जड़ी बूटियों को अपने हाथ में लिए जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। ये देख देवी और वरिष्ठ हैरान रह गए। देवी ने कहा, आखिर कौन है ये? उसके लिए जीत इतनी नजदीक थी, वो जीत भी गया था, उसकी कितनी सराहना होने वाली थी। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी वो इतना चुपचाप वापस क्यों लौट आया? देवी और वरिष्ठ अब उस कमरे में आए और वहां का नजारा इतनी नजदीक से देखकर उनके होश उड़ गए। वरिष्ठ ने कहा, देवी ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। देवी और वरिष्ठ वहां कमरे में थे। इतने में उन्हें कोई आवाज सुनाई दी। वो दोनों तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। कुछ ही क्षणों में वहां उस कमरे में इंद्रजीत आया। इंद्रजीत का हाल बेहाल था। वो गुफा पार करके थक गया हो ऐसा लग रहा था। इंद्रजीत ने जिस जोश और विश्वास के साथ गुफा में प्रवेश किया था वो मानो खत्म सा हो गया था। पर उस कमरे तक पहुंचकर इंद्रजीत बहुत ही खुश था। उसके अंदर अलग ही विश्वास जाग उठा। वो जोर से चिल्लाया, मैंने कर दिखाया, देखा मैंने कर दिखाया, है कोई मेरा जैसा? हरी आज देख ले, मैं ही हूं, देख लो सब, मैं ही हूं। खुशी के आवेश में ये सब बोलते हुए इंद्रजीत की नजर अब कमरे की जमीन पर गई। जमीन पर खून से लथपथ मरे हुए राक्षसों को देख उसकी खुशी का जैसे कत्ल हो गया हो उतना वो चौंक गया और इंद्रजीत तुरंत बोला, ये मैं कहां हूं? इंद्रजीत को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया, उसके पहले यहां कौन आया। इंद्रजीत ने चारों ओर देखा और सुनहरी जड़ी बूटी दिखाई नहीं दी। सामने देखा तो जीत का दरवाजा भी बंद था। इंद्रजीत ने कहा, ये सब क्या है? अगर यहां कोई आया है तो ये सब किसने किया? और ये सब किसी ने किया है तो यहां से गया कहां? जीत का दरवाजा तो बंद है। इंद्रजीत को लगा कि शायद ये भी परीक्षा का एक हिस्सा हो, शायद इस बार ऐसी परीक्षा रखी होगी। इतने में वहां हरी आया। हरी वो कमरे के दरवाजे पर ही अटक गया। उसने वहां से कमरे का पूरा नजारा देखा और वो तुरंत बोला, इंद्रजीत ये तुमने किया? इंद्रजीत ने कहा, मैं मना कर दूंगा तो तुम क्या मान जाओगे? हरी बोला, बिल्कुल मान जाऊंगा, क्योंकि तुम ये कर ही नहीं सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इंद्रजीत ने कहा, बात वो नहीं है, बात यह है कि ये किया किसने, या फिर जो वरिष्ठ हैं उन्होंने कोई मजाक किया है। हरी और इंद्रजीत को समझ पाए उससे पहले वहां ढेर सारे शिष्य गुफा पार कर चुके थे। सबने नजारा देखा और सब इंद्रजीत और हरी की तारीफ करने लगे और सबने वो जीत का दरवाजा खोला और इंद्रजीत और हरी को वहां से बाहर ले गए। इंद्रजीत और हरी ने बहती नदी में हाथ धो लिए। उन दोनों को इतना मान सम्मान मिल रहा था कि उन्होंने किसी से सच नहीं कहा कि उन्होंने ये सब नहीं किया था और ये मान सम्मान के वो काबिल नहीं है। सब बाहर आए और सब इंद्रजीत और हरी की ताकत और काबिलियत की तारीफ की बारात नाच रहे थे। वहीं पर पीछे से एक शिष्य किसी को कोसता हुआ निकला। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे और उसकी हालत ऐसी थी कि किसी ने उसके कपड़े छीन लिए हों। वो बोलता हुआ गया, सुअर का बच्चा, अंधेरे का फायदा उठाकर मेरा ये हाल किया, एक बार सामने आ जा, छोड़ूंगा नहीं। यहां सबको परीक्षा की पड़ी है और ये कौन था जो मेरे कपड़ों के पीछे पड़ा था? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। पीछे से दर्श निकला और कपड़े ठीक करते हुए उसने उस शिष्य की हालत पर हल्के से हंसा और निकल गया। दर्श का वो राक्षसों के साथ लड़ाई में उसका जो हाल हुआ था उस सबसे छुपाने के लिए उसने उस शिष्य के कपड़े चोरी किए थे। दर्श सबसे दूर पीछे से निकल गया। बाकी सब शिष्य इंद्रजीत और हरी की कामयाबी की खुशी में थे और साथ ही वो ये सब इस बात की खुशी मना रहे थे कि अब फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल के बाहरी शिष्य नहीं रहे थे और अब भीतरी शिष्य हो गए हैं। दर्श ने सबको देखा, सबकी खुशी में वो खुश था। दर्श निकल रहा था और वहीं पर पीछे से आवाज आई कि इंद्रजीत और हरी ने कमाल कर दिया। दर्श मुड़ा, उसने इंद्रजीत और हरी की ओर देखा। वो दोनों अपनी तारीफों के लड्डू पेट भर के खा रहे थे। दर्श मुस्कुराकर धीरे से वहां निकल गया। दर्श अपने कमरे में चला गया। शाम हुई और फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में जश्न की घोषणा हुई। सभी शिष्यों की खुशी को जैसे चार चांद लग गए।
सब तैयार होकर जश्न में जा रहे थे। दर्श भी अब भीतरी शिष्य हो गया था, क्योंकि दर्श ने भले ही जीत का दरवाजा नहीं खोला था और वो गुफा से वापस चला गया था, पर बाकी सब शिष्यों के साथ वो भी उस जीत के दरवाजे से निकला, और वो भी तब जब सब ये समझ रहे थे कि सब इंद्रजीत और हरि ने किया है। ऐसा करने से दर्श ने अपनी ताकत किसी को नहीं दिखाई और साथ ही वो भी भीतरी शिष्य बन गया। रात हुई, सब शिष्य जो आज फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल के भीतरी शिष्य बन गए थे वो सब जश्न मना रहे थे। वहीं दर्श अपने कमरे में बैठा अपने जख्म देख रहा था। दर्श ने देखा कि उसके जख्म जो काफी गहरे थे बहुत तेजी से भर रहे थे, ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। दर्श उसके जख्म को ठीक होते हुए देख रहा था और बोला, ऐसे तो ये इतने गहरे जख्म भी बहुत जल्दी ही भर जाएंगे। दर्श मुस्कुराया और फिर उसने ऊपर आसमान को देखकर कहा, कौन हो तुम और मेरे साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? दर्श ने उस शक्ति से सवाल किया। दर्श बोला, तो इस बार भी तुम मुझे जवाब नहीं दोगे? 5 साल पहले उस तूफान ने दर्श को शक्ति दी थी और वो हमेशा से उस बात का कारण जानने की कोशिश कर रहा था, पर उसे आज तक कोई जवाब नहीं मिला। दर्श ने 5 साल पहले उस तूफान से मिली शक्ति के फलस्वरूप इस फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में मार्शल आर्ट्स के पहले दो स्तर तुरंत और आसानी से पार कर लिए थे, और इस बात को दर्श ने अपने तक ही सीमित रखा था। आज तक इस बात से दर्श का परिवार और स्कूल में सब अनजान थे, और चारू ने दी हुई उस सुनहरी जड़ी बूटी ने उस शक्ति को ईंधन दिया था और उसे फिर से उजागर किया था। दर्श आज सालों बाद इतना संतुष्ट था, उसने सोचा आज अच्छी नींद आएगी, पर दर्श की नजर उसके बेड के पास पड़ी मार्शल आर्ट्स की किताब पर पड़ी। उसने वो किताब हाथ में ली, वो किताब पहले स्तर की मार्शल आर्ट्स की किताब थी। दर्श ने उस किताब को देखा और उसे कुछ याद आया। उसके सामने वो दृश्य आ गया जहाँ एक वरिष्ठ किसी भीतरी शिष्य को कह रहे थे कि तीसरे स्तर को पार करने के बाद शिष्य को मार्शल आर्ट्स के चौथे स्तर की किताब लेकर उसे पढ़ने का हक होता है। दर्श ने सोचा, चौथे स्तर की किताब से भी ज्यादा तेज दाव वाली और भी किताबें हैं, पर क्या अभी वो उस किताब तक पहुंच पाएगा? क्या उसे वो किताब मिल पाएगी? दर्श एकदम से उठा, उसने सोचा क्यों ना जाकर वो किताब लेकर आए, पर फिर वो रुक गया। उसे याद आया कि मार्शल आर्ट्स के सब कक्ष शाम को बंद हो जाते हैं। दर्श बैठ गया, वो उस किताब के बारे में सोचता रहा, वो बेचैन हो गया था। दर्श मानो बिना तेल के कुएं जैसा हो गया था, उसे खुद को हर मुमकिन शिक्षा और दाव से भर देना था। उसकी मार्शल आर्ट्स में शिक्षा हासिल करने की इच्छा ऐसी जाग उठी थी कि उसकी संतुष्टता का कुआं भर ही नहीं रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि दर्श एक बार ये शक्ति पाकर खो चुका था, और इस बार उस शक्ति की आग को हो सके उतना ही घी डालकर उस आग को जलती रखना चाहता था। दर्श पूरी रात बेचैन रहा, वो सो नहीं पाया। एक और जश्न मनाया जा रहा था, और दूसरी ओर जिसने वो महान कार्य किया था वो महारथी आगे और बड़े काम करने की चाह में बेचैन था। दर्श को अब कोई नहीं रोक सकता था। अगले दिन सुबह दर्श जागा, उसने देखा तो उसके सब घाव भर चुके थे। दर्श ने फिर से आसमान को देखा और शुक्रिया किया। दर्श अब तैयार होकर अपने कमरे से निकल रहा था, वहीं उसने अपने कमरे के पास कपड़े की जोड़ी देखी। उसे देख दर्श खुश हो गया, मानो जैसे खजाना मिल गया हो। वो कपड़े आसमानी रंग के कपड़े थे। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में जो शिष्य तीसरा स्तर पार करके भीतरी शिष्य बन जाते हैं वो आसमानी रंग के कपड़े पहनते हैं, बाहरी शिष्यों को सफेद रंग के कपड़े पहनने रहते हैं। अब दर्श बाहरी शिष्य नहीं रहा, वो भीतरी शिष्य बन गया, और आज एक भीतरी शिष्य के तौर पर दर्श का पहला दिन था। दर्श ने वो आसमानी रंग के कपड़े लिए और वो उस आसमानी वेश में निकल पड़ा किताब लेने। दर्श अब भीतरी शिष्य था, और स्कूल में भीतरी कक्षा के खंड में उसने अलग ही नजारा देखा। कितने सारे शिष्य थे, ऐसा लगा जैसे आसमान जमीन पर आ गया हो। सबने आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए थे, और यहाँ कोई भी साफ सफाई या औजार रखने का काम नहीं कर रहा था। हर कोई अपनी कला को नया रूप देने में मेहनत कर रहा था। दर्श के लिए सब बहुत ही नया और बहुत ही उत्साह से भरा था। दर्श आगे बढ़ा, उसने वो इमारत देखी जहाँ जाने का सपना उसने सालों से देखा था। 6 मंजिलों की वो इमारत, इस इमारत की हर एक मंजिल पर अलग अलग स्तर के मार्शल आर्ट्स का अभ्यास होता था। जैसे कि पहली मंजिल पर सामान्य काश का अभ्यास, सामान्य चौथे स्तर के मुकाबले में कहा जाता था, पर वो भी काफी शिष्यों के लिए कठिन होता था। आमतौर पर पहली मंजिल पर ज्यादा शिष्य रहते थे। वैसे ही जैसे ऊपरी मंजिल पर जाएंगे तो स्तर उतना ही मुश्किल होता जाएगा। दर्श सीधा पहुंचा तीसरी मंजिल पर, और वहां जाकर उसने वरिष्ठ से चौथे स्तर की किताब मांगी। वरिष्ठ ने दर्श को देखा और कहा कि ये किताब तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल है। दर्श ने कहा, मुझे पढ़नी है। दर्श ने जिस मुस्कान और विश्वास से कहा, वरिष्ठ उसकी आंखों की चमक को देखकर कुछ बोल ना सके। उन्होंने दर्श को किताब दे दी।
दर्श की खुशी का पार न रहा, पर जैसे वो कुछ भूल रहा हो वैसे वो फिर से मुड़ा और उसने अब वो मांगा जो किसी वरिष्ठ को अपने किसी शिष्य से अपेक्षित ना हो। दर्श ने मायावी पंजी की किताब मांगी। वरिष्ठ दर्श को मना करने गए पर वो कुछ बोल ही नहीं पाए। दर्श वो दोनों किताबें अपने हाथ में लिए वहां से निकला। दर्श के चेहरे पर ऐसी खुशी थी मानो उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। दर्श के लिए असली जश्न था। दर्श अपने कमरे में गया, उसने दोनों किताबों को अपने सामने रखा। दर्श ने अपने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और उसने चौथे स्तर की किताब अपने हाथ में ले ली और उसे पढ़ना शुरू किया। क्या होने वाला था आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। बहुत ही चिंता में जैसे कोई बहुत बड़ी बात बन गई हो वैसे। देवी ये देखिए क्या हुआ है, हमारे स्कूल का श्रेष्ठ शिष्य भी ऐसा नहीं कर सकता। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में हंगामा हो गया था। मार्शल आर्ट्स की 6 मंजिला इमारत में अभ्यास के कमरे में ये घटना बनी थी। वहां अभ्यास कर रहे शिष्य का निरीक्षण करने वाले सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ ने देवी के ध्यान में ये बात लाई। देवी ने कहा, ये यांत्रिक तलवार टूट कैसे गई? इससे तो शिष्य अभ्यास करते हैं और इस यांत्रिक तलवार को तोड़ना तो दूर कोई से मोड़ भी नहीं सकता। सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ ने कहा, मैं भी इसी असमंजस में हूं, ये दृश्य मैं देख नहीं पाया इसलिए तुरंत आपको बुलाया। देवी ने कहा, फिलहाल ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए और फिलहाल के लिए कमरा अभ्यास के लिए बंद रखा जाए। सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ ने हां में अपना सर हिलाया और दोनों वहां से निकले। सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ सोच में पड़ गए थे। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि परीक्षा के बाद कौन उनके पास आया था किताब के लिए या किसी कक्ष में अभ्यास करने। उन्हें सिर्फ इतना याद आया कि परीक्षा के बाद काफी शिष्य पहली मंजिल पर अभ्यास कर रहे थे और कुछ शिष्य किताब लेने आए थे, पर ज्यादातर शिष्य इतने उत्साहित होते हैं कि वो बहुत सी बार वरिष्ठ की बातें अनसुनी कर देते हैं और किताब लेकर चले जाते हैं। वरिष्ठ ने अपनी याद शक्ति पर काफी जोर दिया पर उन्हें कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। दर्श अपने कमरे में ध्यान में बैठा था। उसने 2 किताबें ली थी, उसमें से एक किताब थी द 3 थंडर स्ट्रोक्स। इस किताब में 3 खतरनाक दाव थे और दर्श उसमें से 2 दाव पढ़कर उसका अभ्यास कर चुका था। दर्श वो किताब हाथ में लेता है और अपनी आंखें बंद करता है और याद करता है। दर्श फ्लैशबैक में जाता है। उसकी नजरों के सामने वो दृश्य आता है जब वो एक किताब वरिष्ठ से लेकर लौट रहा था। उसने वहां पर इंद्रजीत को देखा था और उसका चेहरा उतरा हुआ था और सब शिष्य इंद्रजीत के पीठ पीछे उसकी बातें कर रहे थे। इसे क्या हो गया, इसने तो परीक्षा पार कर लिया ना, दूसरे ने कहा। अरे तुझे नहीं पता, परीक्षा के बाद जश्न में वरिष्ठ ने कहा कि पहला स्थान किसी एक ही शिष्य को मिल सकता है, इंद्रजीत और हरि उस स्थान को बांट नहीं सकते हैं, तीसरे ने कहा। हाँ और फिर इंद्रजीत और हरि ने कबूल किया कि उन्होंने वो कारनामा किया ही नहीं था, उन्होंने वो राक्षसों को नहीं मारा था, चौथा बोला। क्या, तीसरा बोला। हाँ उन्होंने ऐसे किसी और का श्रेय खुद पर ले लिया था, अब दोनों को घर वापस जाना पड़ेगा। दर्श ये सब सुन रहा था, उसने इंद्रजीत को देखा और फिर उसे याद आया कि गुफा में इंद्रजीत ने उसे कहा था कि अगर वो खुद जीतेगा तो उम्र की बात करेंगे और अगर दर्श जीता तो ताकत की बात करेंगे। दर्श इंद्रजीत के पास गया और उससे वो किताब दिखाकर बोला, क्या तुम ये अभ्यास करना चाहोगे, असली ताकत का अभ्यास है ये। इंद्रजीत ने द 3 थंडर स्ट्रोक्स की किताब को देखा। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने वो किताब नहीं पढ़ी है, पर वो अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था। उसने कहा, ये तो मैंने बहुत पहले ही अभ्यास करके रख दिया है। इंद्रजीत अभी भी खुद के अभिमान में था। दर्श ने कहा, ठीक है तो अब मैं पढ़ लेता हूँ। दर्श मुस्कुराकर वहां से निकल गया। दर्श बाहर बगीचे में बैठकर वो किताब पढ़ने लगा। दर्श ने कुछ ही समय में उस किताब से 2 थंडर स्ट्रोक्स पढ़ लिए थे और वहां से सीधा गया उस 6 मंजिला इमारत में उसका अभ्यास करने। शाम होने में कुछ ही वक्त बचा था और दर्श जानता था कि सूरज ढलने के साथ ये अभ्यास कक्ष बंद हो जाएगा। दर्श चाहता तो अगले दिन भी अभ्यास के लिए जा सकता था पर वो खुद को रोक नहीं पाया और वो अभ्यास करने तेजी से उस इमारत की 6ठी मंजिल पर पहुंच गया। दर्श अभ्यास कमरे में गया, उसने वहां वो यांत्रिक तलवार देखी और उसे प्रणाम किया क्योंकि दर्श जानता था कि वो उस तलवार का क्या हाल करने वाला है। दर्श ने किताब में पढ़े अनुसार अभ्यास करना शुरू किया। दर्श ने एक ताव किया और वो तलवार पूरे कमरे में गोल गोल घूमने लगी। दर्श के सर के पास से गुजरी, दर्श झुक गया और उसने खुद को बचा लिया। दर्श डरने की बजाय खुश हुआ। उसने कहा, वाह ये तो बहुत ही मजेदार चीज है, अब ज्यादा मजा आएगा।
अब दर्श ने उस किताब के मुताबिक अपना अभ्यास शुरू किया और उस किताबी ज्ञान को दर्श की शक्ति ने बढ़ावा दिया। दर्श यहाँ अभ्यास में खो गया था और सूरज ढल चुका था। वरिष्ठ सभी अभ्यास कक्ष बंद करने आ रहे थे। इस बात से अनजान दर्श अपने अभ्यास में खोया हुआ था और वहीं पर सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ पहुंचते हैं छठी मंजिल पर जहां दर्श था। दर्श ने उस यांत्रिक तलवार का हाल बेहाल कर दिया था और उसे आभास हो गया था कि कोई उसके अभ्यास कमरे में नजदीक पहुंच रहा है। दर्श ने उस तलवार को देखा और वो समझ गया कि अगर कोई इस तलवार का हाल देख लेगा और यहाँ उसे देख लेगा तो शायद उसकी शक्ति सबके सामने आ जाएगी। दर्श ने परीक्षा में जिस तेजी से गुफा पार की थी ठीक उसी तरह वो उस 6 मंजिला इमारत से नीचे उतर गया। 6 मंजिला पर पहुंचे सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ को सिर्फ एक हवा का झोंका उसके पास से गुजरा हो ऐसा महसूस हुआ और उसी झोंके के झटके के साथ दर्श ने अपनी आंखें खोली। दर्श ने अपने कमरे में बैठे उसका पूरा दिन याद किया था। दर्श ने उस किताब को देखा, उसे प्रणाम किया और मुस्कुराया। दर्श ने उस यांत्रिक तलवार को तोड़ दिया था। दर्श की शक्ति ने एक बार फिर वरिष्ठ और देवी को सोच में डाल दिया था। अगले दिन सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ ने अभ्यास कर रहे सभी शिष्यों को ध्यान से देखा, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए, पर वो किसी को पहचान नहीं पाए। तभी उन्होंने दर्श को देखा। दर्श द 3 थंडरस्ट्रोक्स की किताब वापस देने आया था। वरिष्ठ ने दर्श को देखा और कहा, एक ही दिन में हार गए ना, ये किताब इतनी आसान नहीं है। दर्श ने कहा, मैंने किताब पढ़ ली है। वरिष्ठ ने दर्श को देखा और वो हंसे, एक ही दिन में जरूर पूरी किताब सर के ऊपर से निकल गई होगी। वरिष्ठ काफी बार उत्साही शिष्य को देखते हैं जो जोश में कुछ शुरू तो कर देते हैं पर उसे पूरा न्याय नहीं दे पाते। वरिष्ठ के लिए दर्श भी एक ऐसा ही उत्साही शिष्य था। दर्श हल्के से मुस्कुराया और निकल गया। दर्श की मुस्कान मानो उसकी पहचान हो गई हो। वरिष्ठ को उसकी मुस्कान से तुरंत याद आया कि कल क्या हुआ था। दर्श की किताब के साथ एक और किताब लेकर गया था, मायावी पंजा। वरिष्ठ ने खुद दर्श को वो किताब रजिस्टर में लिख कर दी थी। वरिष्ठ को दर्श के साथ हुई बात भी याद आई। जब दर्श वो मायावी पंजे की किताब लेकर आया तब वरिष्ठ ने उसे कहा था, मायावी पंजा, तुम जानते हो इस किताब में क्या है? दर्श ने कहा था, मैंने देख लिया है इस किताब में क्या है। वरिष्ठ ने कहा, तो तुम्हें पता होगा कि किताब सबके बस की बात नहीं है। दर्श ने जवाब दिया, फिलहाल तो आपके बस में इसे रजिस्टर में लिखकर मुझे देना है और मेरे बस में इसे पढ़ना है। वरिष्ठ ने उस किताब को रजिस्टर में लिखकर दर्श को दे दिया और दर्श को जाने के बाद वरिष्ठ ने कहा था, ये आजकल के शिष्य किसी की सुनते ही नहीं है। सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ को लगा कि क्या दर्श ने द 3 थंडरस्ट्रोक्स पढ़कर उस तलवार को तोड़ा होगा, पर फिर उन्हें ऐसा लगा कि एक दिन में किताब से अभ्यास करके उसे प्रत्यक्ष करना नामुमकिन है। दर्श ने किताब पढ़ ली थी और अब वो मायावी पंजा किताब पढ़ने की शुरुआत करने जा रहा था। वो अपने कमरे में जा रहा था कि तभी उसने देखा कि सब शिष्य पीछे के पहाड़ की ओर दौड़ रहे हैं। बहुत शोर मचा हुआ था। दर्श वैसे किसी चीज में ज्यादा दखल नहीं देता था, पर इस बार उसे लगा कि शायद कोई मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है। दर्श भी सब शिष्यों के साथ पीछे के पहाड़ की ओर गया। वहां एक शिष्य खाई में गिरने वाला था। वो एक पेड़ की डाल को पकड़कर लटका हुआ था। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल के सभी शिष्य, सभी वरिष्ठ वहां पहुंच गए थे। वो शिष्य वहां ब्लाइंड स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो ईगल का शिकार हो गया था और वो खुद को बचा पाए और अपनी आंखों पर से पट्टी निकाल पाए तब तक बहुत देर हो गई थी। उसका पैर फिसल गया था और वो खाई में गिर गया था। वो एक पेड़ की डाल को पकड़कर लटक रहा था। सभी शिष्य और वरिष्ठ उसे बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, पर दर्श ने एक पल भी सोचने में नहीं निकाला। दर्श निकल पड़ा उसकी मदद करने, पर वो अपनी शक्ति का उपयोग सबके सामने नहीं कर सकता था और वो शिष्य को ऐसी हालत में देख भी नहीं सकता था। दर्श ने थोड़ी देर के लिए खुद को लाचार महसूस किया, पर फिर अचानक आसमान में बादल घेर आए, सूरज की रोशनी कम हो गई, हल्का सा अंधेरा छा गया, एक तूफान जैसे उठा, जोर की हवा आई, हर जगह धूल उड़ने लगी और ऐसे में उस शिष्य को उस पेड़ को पकड़कर रखना और मुश्किल हो रहा था। उस शिष्य की पकड़ कमजोर हो रही थी और वो नीचे गिरने ही वाला था, पर दर्श ने इस तूफान का फायदा उठाया और खुद एक तूफान की तरह निकला और उसने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा उस शिष्य को पकड़कर ऊपर जमीन पर छोड़ दिया और वो ऐसे निकल गया मानो कोई पक्षी वहां से उड़कर निकल गया हो। किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उस शिष्य को बचाने वाला एक इंसान था। वो शिष्य बच गया और उसे खुद पता नहीं चला कि वो कैसे बच गया था। वरिष्ठ को लगा ये किसी शिष्य का काम है और सब शिष्य को लगा कि शायद ये किसी वरिष्ठ का काम है और इसकी ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई क्योंकि ऐसे हादसे ऐसे पहाड़ी जगह पर होते रहते थे और आज तक किसी को भी जान हानि नहीं हुई।
पर सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ को वही झोंका महसूस हुआ जो उन्हें उस 6 मंजिला इमारत में हुआ था। सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ को शक हुआ कि क्या ये वही झोंका है या ऐसे 30 झोंके की तरह गुजरने वाला शिष्य, या फिर उस तलवार को तोड़ने वाला सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज शिष्य, या फिर कोई चमत्कार। कुछ दिन बीत गए थे। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में सब ठीक चल रहा था। सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ और देवी ने उस यांत्रिक तलवार वाला अभ्यास का कमरा फिर से शिष्यों के लिए खोल दिया था। देवी और वरिष्ठ यांत्रिक तलवार तोड़ने वाले शिष्य की खोज में भी थे। अब तक तो पता नहीं लगा पा रहे थे कि वहीं पर एक और नजारा उनके सामने आ गया। एक वरिष्ठ सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ के पास दौड़ कर आए और कहा, वो मायावी पंजा। वो आगे कुछ बोल नहीं पाए। सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ तुरंत 6 मंजिला इमारत के 4th मंजिल पर अभ्यास के एक कमरे में गए और वहां का नजारा उन्हें एक बार फिर से दंग कर गया। यह अभ्यास के कमरे में धातु का एक गोला था जिसके ऊपर एक पंजे का निशान था और उस पंजे का उस गोले पर इतना प्रभाव था कि वो एक बाजू से दब गया था। ये कोई आम बात नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में जो भी हो रहा था वो वरिष्ठ और देवी के लिए काफी चौंकाने वाले किस्से थे। देवी ने कहा, मायावी पंजा, ये हमारे स्कूल का सबसे बड़े से बड़ा शिष्य भी नहीं कर सकता। आज तक मायावी पंजे की कला कोई हासिल नहीं कर पाया और जिसने भी कला को आत्मसात किया है वो इस कला को किसी और को बता या सिखा नहीं सकता। यांत्रिक तलवार का अभ्यास कक्ष खोले कुछ ही दिन हुए थे और अब ये। देवी ने वरिष्ठ से कहा, इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? वरिष्ठ ने कहा, देवी, इस बात को लेकर मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, पर हाँ, करीबन 10 दिन पहले मायावी पंजे की किताब दर्श नाम का एक शिष्य ले गया था। मैंने खुद रजिस्टर में उसकी एंट्री की थी। देवी ने कहा, दर्श? वरिष्ठ ने कहा, अजीब बात यह है कि शाम को कक्ष बंद करने से पहले जब मैं उस यांत्रिक तलवार के कमरे में जा रहा था तब अचानक एक तेज हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा और वैसा ही झोंका मुझे तब महसूस हुआ जब वो शिष्य खाई में गिरने से बच रहा था और आज ये धातु के गोले पर मायावी पंजे का वार उस तेज हवा के झोंके से कम नहीं। देवी ने कहा, वो यांत्रिक तलवार द 3 थंडर स्ट्रोक्स के पहले 2 स्ट्रोक से प्रभावित थी और ये धातु का गोला मायावी पंजे से प्रभावित है और ये दोनों किताबें दर्श के पास थी। वरिष्ठ, देवी आप क्या कहना चाह रही हैं? देवी ने कहा, 3रा स्तर पार करने वाला होनहार शिष्य, क्या ये वही तो नहीं? क्या होने वाला था आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। नया दिन और नया कार्य। दर्श जागा था बहुत ही बेहतरीन दिन में। आज से अमृत की खोज शुरू होने वाली थी। सभी भीतरी शिष्य आज से अमृत की खोज में निकलने वाले थे। दर्श ने बाहरी शिष्य रहकर ये सब सिर्फ सुना था पर आज वो ये सब करने जा रहा था। 6 मंजिला इमारत खुली, उसके खुलने की घंटी बजी। दर्श गया वहां मायावी पंजे को किताब को वापस करने। सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ ने वो किताब वापस ली और दर्श को देखते रहे। वरिष्ठ ने कहा, सीख लिए विद्या? दर्श ने कहा, वरिष्ठ आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि कोई भी चीज को सिर्फ सीखना ही महत्व का नहीं है, उसे अपने जहन में उतारने के लिए बार बार उसका अभ्यास करके उसे पक्का करना पड़ता है। सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ दर्श को देखते रहे। दर्श ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं निकलूं? सफेद दाढ़ी वाले वरिष्ठ ने दर्श को जाते हुए देखा। उन्होंने एक बार सोचा कि कहीं वो दर्श ही तो नहीं जिसने वो धातु के गोले पर मायावी पंजे का दाव किया हो, पर फिर उन्हें लगा कि गोले पर जो दाव था वो किसी सिखाओ शिष्य का नहीं लग रहा था। दर्श को किताब लिए सिर्फ 10 दिन हुए थे और 10 दिन में ये दाव प्राप्त करना मुमकिन नहीं था। दर्श अब निकला था अमृत की खोज में। अमृत वहां पहाड़ों में उगने वाला एक पौधा है जो साल में एक बार खिलता है और हर शिष्य समूह में उसकी खोज में निकलते हैं, पर उसके सामने अलग ही नजारा था। उसने देखा सामने 2 अलग-अलग समूह में शिष्य खड़े थे। दोनों ही अपने समूह को बड़ा करने के लिए शिष्यों को बुला रहे थे। दर्श ने एक शिष्य को पूछा कि ये क्या है। उस शिष्य ने बताया कि अमृत की खोज ऐसे समूह में ही की जाती है। दर्श ने कहा, समूह हमें सामने से बुलाते हैं या फिर श्रेष्ठ समूह में जाने के लिए कोई प्रक्रिया होती है? शिष्य ने कहा, श्रेष्ठ समूह में आसानी से नहीं जा सकते। अच्छे समूह में बहुत ही चुने हुए लोग रहते हैं और बाकी के समूह ऐसे सब शिष्यों को बुलाकर अपना हिस्सा बनाते हैं। दर्श वो नजारा देखता ही रह गया। ऐसा लगा मानो वो कोई बाजार में आ गया हो। दर्श आगे बढ़ा, वो समूह के लिए आगे की जानकारी लेने गया। वहीं पर पीछे से किसी की आवाज आई। कोई आदमी गुस्से में बोल रहा था, तुम यहां से चली जाओ। सामने एक लड़की की आवाज आई, मैं क्यों यहां से जाऊं? मैं यहां मेरे समूह के लिए हूं और मैं यहां से नहीं जाऊंगी।
दर्श को ये आवाज जानी पहचानी लगी। दर्श तुरंत वहां गया जहां से झगड़े की आवाज आ रही थी। वहां बहुत सारे शिष्य इकट्ठा हुए और जोर जोर से झगड़े की आवाज आ रही थी। दर्श ने पहचान लिया कि आवाज चारू की थी। दर्श चारू तक पहुंचना चाहता था पर इतने सारे शिष्यों के बीच से वो उसके पास नहीं पहुंच पाया और अचानक झगड़ा बढ़ने लगा। माहौल गंभीर होने लगा। किसी की आवाज आई, तो आ जाओ मैदान में, देख लेते हैं किसका समूह ज्यादा ताकतवर है। चारू की आवाज आई, तुम जानते नहीं तुम किसे ललकार रहे हो, मालाबार परिवार का समूह है ये। सामने आवाज आई, परिवार के नाम से समूह बनते तो ये फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल की जरूरत ही नहीं थी। सबकी हंसने की आवाज आई। चारू को अब गुस्सा आ गया था। चारू ने कहा, तुम समूह की बात कर रहे हो और मैं ताकत की, अब देखो ये। चारू शिष्य पर ताव खेलने गई और तुरंत वहां दर्श आ गया और उसने चारू को रोक लिया। चारू ने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे, आज मैंने दिखा कर ही रहूंगी। दर्श ने चारू को पकड़कर रखा और उस शिष्य से माफी मांगी और उन्हें जाने को कहा। चारू खुद को छुड़ाने के लिए मेहनत करती रही पर दर्श ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो लोग वहां से जा नहीं चुके थे। सब लोग चले गए और दर्श ने चारू को छोड़ा। चारू ने दर्श से गुस्से में कहा, क्या हो गया तुम्हें, तुमने क्यों रोका मुझे, तुमने सुना नहीं वो क्या बोल रहा था, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था, हम दोनों मिलकर उसे जवाब देते। दर्श ने कहा, शांत बहन शांत, उसने कुछ कह दिया और तुम्हें गुस्सा आ गया। चारू ने कहा, मैं यहाँ अपने मलबार के समूह के लिए शिष्यों को बुला रही थी और वो दूसरे समूह से आकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। दर्श ने कहा, क्या हमारा मलबार का समूह है, मैंने अभी सुना कि अमृत की खोज में सब शिष्य समूह में जाते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारा परिवार इतना बड़ा है कि हमें समूह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चारू ने कहा, हर बार समूह के लिए शिष्य को हम आमंत्रित करते हैं और इस बार भी मैं वही कर रही थी, पर वो बेशरम आदमी, वो हमारे खानदान के बारे में बोला और तुम जानते हो मैं अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। दर्श ने कहा, हाँ अच्छे से जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि शांत हो जाओ, किसी की कहने से हमारी ताकत या हमारा मान कम थोड़ी हो जाएगा। चारू ने कहा, हाँ पर मैं नहीं सुन सकती। दर्श ने कहा, ठीक है तुम्हें उनसे मुकाबला ही करना है तो ये लो, इसे रख लो और जाओ। दर्श ने चारू की सुनहरी जड़ी बूटी निकाल कर दी। चारू उसे देखकर दंग रह गई और उसने कहा, ये तुम ये वापस क्यों लाए हो। दर्श ने कहा, मैंने कहा था ना मैंने तीसरा स्तर पार कर लिया और अब ये तुम्हें लौटाने का वक्त आ गया है। चारू ने उस सुनहरी जड़ी बूटी को देखा और कहा, ये क्या तुमने इस जड़ी बूटी को अभी तक अब्सॉर्ब नहीं किया। दर्श जानता था कि वो जितनी जड़ी बूटी को अब्सॉर्ब करेगा उसे वो कम पड़ने वाली है क्योंकि उसकी आगे बढ़ने की चाह किसी भी चीज से ज्यादा तेज है। दर्श ने चारू से कहा, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। चारू को वो सुनहरी जड़ी बूटी वापस नहीं लेनी थी पर दर्श ने उसे बहुत मनाया और दे दी क्योंकि चारू अब पांचवें स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और दर्श को लगा कि चारू को इसकी ज्यादा जरूरत हो। पर फिर चारू एकदम से रोने जैसी हो गई और उसने कहा कि वो सुनहरी जड़ी बूटी के काबिल नहीं है क्योंकि ये सुनहरी जड़ी बूटी चारू खुद नहीं लाई थी दर्श के लिए। ये जड़ी बूटी चारू को उसके बड़े भाई अमर ने दी थी दर्श के लिए। अमर का नाम सुनते ही दर्श भावुक हो गया। दर्श ने कहा, अमर भैया मैंने उन्हें काफी समय से नहीं देखा है। चारू ने कहा, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज शाम को तुम मुझे यहीं पर मिलना। दर्श कुछ पूछने जाए उससे पहले ही चारू ने कहा, नहीं कुछ नहीं पूछना, बोल रही हूं बस उतना ही करो। चारू वहां से निकल गई। चारू ने मुड़के दर्श से कहा, दर्श ये आसमानी रंग के कपड़ों में काफी जच रहे हो, फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल के चौथे स्तर के भीतरी भाग में तुम्हारा स्वागत है। चारू दर्श को देखकर बहुत खुश थी। दर्श सोच रहा था कि वो निकला था अमृत की खोज में पर उसे चारू मिल गई। चारू से मुलाकात भी दर्श के लिए अमृत से कम ना थी क्योंकि तीसरे स्तर की परीक्षा के बाद वो उसे मिल नहीं पाया था। दर्श भी चारू को मिलकर बहुत खुश था। चारू ने उसे शाम को फिर से मिलने बुलाया था, दर्श के लिए एक सरप्राइज था। शाम हुई, दर्श और चारू मिले और चारू दर्श को एक मकान के पास ले गई। चारू बहुत ही खुश थी पर दर्श को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मकान में से दर्श को कुछ जानी पहचानी सी आवाजें सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सारे लोग हों। दर्श रुक गया, उसने चारू से कहा, चारू ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। चारू ने कहा, तुम जान ही गए हो तो पूछ क्यों रहे हो, और अब तो मैं तुम्हें हक से यहाँ ले जा सकती हूँ। दर्श कुछ कहे उसके पहले ही चारू दर्श का हाथ खींचकर उसे उस मकान में अंदर ले गई। उस मकान में पूरा मालाबार परिवार था और साथ ही मालाबार समूह में जुड़े हुए कुछ शिष्य भी, सब वहां साथ थे। चारू ने बहुत खुशी से कहा, देखिए कौन आया है। सब ने मुड़कर दर्श को देखा। दर्श को देखकर सब लोग दंग रह गए। दर्श को उस मकान में जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था।
क्योंकि उसे पता था कि इस पूरे परिवार में कोई भी उसे प्रेम नहीं करता था। आज तक सबने उसे नीचा दिखाया है और हमेशा उसका मजाक उड़ाया है। उस मकान में मालाबार परिवार के करीबन 32 लोग थे। इस मकान में मालाबार परिवार के सभी भाई बहन थे। सब दर्श से 2-5 साल बड़े थे। सब दर्श के भाई बहन थे पर सिर्फ नाम के। दर्श को कोई भी अपना नहीं मानता था। दर्श को देखकर सब थोड़ी देर शांत थे और फिर सबने एक दूसरे को देखा और सब लोग जोर से हंसने लगे। चारों को गुस्सा आ रहा था। दर्श शांति से सबको देख रहा था। चंद्रन भी वहां था। चंद्रन ने कहा, हो आसमानी रंग के कपड़े और वो भी तुम्हारे बदन पर। सब लोग हंस रहे थे। चारू, कहीं उस जड़ी बूटी की तरह ये कपड़े भी तुमने इस दर्श को दान में तो नहीं दे दिए? सब लोग फिर से हंसने लगे। चारू ने कहा, चंद्रन, दर्श ने तीसरा स्तर पार कर लिया है और अब उसे भी हमारे साथ यहाँ रहने का हक है। अजीत, जो दर्श का भाई ही है, उसने कहा। हाँ, कर लिया होगा पार, पर वो 5 साल तक हमें बदनाम करने के बाद उसने पार किया है। इससे अच्छा तो उस परीक्षा में ही। अजीत आगे बोलने ही वाला था कि उसके पहले चारू ने उसे रोकते हुए कहा, अजीत बस, दर्श हमारे समूह में आएगा और मालाबार परिवार का होने के नाते उसे मालाबार समूह में आने का पूरा हक है। चंद्रन ने कहा, कौन से हक की बात कर रही हो? भूल गई चारू, दर्श को पापा ने गोद लिया था और उसका हमारे परिवार से खून का रिश्ता नहीं है। चारू ने कहा, खून के रिश्ते तुम्हारे जैसे होते हैं तो दर्श तुम सबसे काफी गुना अच्छा है। अजीत ने कहा, चारू, तुम क्यों हमेशा इसकी तरफदारी करके हमसे, तुम्हारे सगे भाइयों से पंगा लेती हो? चंद्रन ने कहा, चलो अब तुम्हारा दिखावा हो गया है या आसमानी रंग के कपड़ों का, तो निकलो यहाँ से। चंद्रन ने बहुत ही गंदे तरीके से दर्श को कहा। दर्श मुस्कुराकर बोला, चला जाऊंगा, मेरा हिसाब कर लो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दर्श की ये बात सुनकर सब दंग रह गए। चंद्रन ने कहा, कैसा हिसाब, कौन सा हिसाब? दर्श ने कहा, सुनहरी जड़ी बूटी। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। दर्श ने कहा, चंद्रन भैया, भूल गए आप, परीक्षा के एक दिन पहले आपने मुझे चैलेंज दिया था कि अगर मैं तीसरा स्तर पार कर लूंगा तो आप मुझे सुनहरी जड़ी बूटी देंगे। चंद्रन ये बात सुनकर गुस्से में आ गया। उसने कहा, क्या बकवास कर रहा है, मैं मेरी सुनहरी जड़ी बूटी तुझे क्यों दूंगा, औकात देखिए तेरी, चल निकल यहां से। दर्श अब जिद पर अड़ गया था। उसने कहा, जाऊंगा तो सुनहरी जड़ी बूटी लेकर ही जाऊंगा। अजीत आगे आया। अजीत ने अब गुस्से में कहा, ए, तुझे पता है ना तू किसके साथ पंगा ले रहा है? दर्श ने कहा, मैंने सिर्फ अपना हिस्सा मांगा है, पंगा तो आप लोग ले रहे हैं छोटी सी बात में। अब सबको ज्यादा गुस्सा आया कि ये दर्श की इतनी हिम्मत कि वो हमारे साथ ऐसे बात करे। चंद्रन ने कहा, जाकर इस बात का प्रूफ लेकर आ कि मैंने तुझे ऐसा कहा था। आया बड़ा सुनहरी जड़ी बूटी मांगने वाला। दर्श कुछ नहीं बोला। चंद्रन ने कहा, क्यों, कोई सबूत नहीं है ना? पता था मुझे कि तू ऐसी हवा में बात कर रहा है, चल निकल यहां से। दर्श ने कहा, सबूत तो मैं दे दूंगा, बस आप वो सुनहरी जड़ी बूटी तैयार रखिए। अजीत अब गुस्से में दर्श के पास आया जैसे उसे अभी मार देगा। तभी चारू ने कहा, मैं हूं सबूत, मैं वहां थी जब चंद्रन ने दर्श से ये वादा किया था। सब लोग चौंक गए। चंद्रन और अजीत और बाकी सब चारू पर गुस्सा हो गए कि वो दर्श के पक्ष में बात कर रही है। सबका गुस्सा सर आंखों पर था। चारू ने कहा, अब तो मिल गया ना सबूत, अब कर दो हिसाब। ये सुनकर सबका गुस्सा और बढ़ गया। चंद्रन अब आगे आया। उसने कहा, हिसाब करना है, सुनहरी जड़ी बूटी चाहिए, मिलेगी, पूरा हिसाब होगा तेरा, पर मेरे तरीके से। बहुत शौक है ना तुझे आसमानी रंग के कपड़े पहनने का, चल आ जा मेरे सामने, जीत कर दिखा और लेकर जा सुनहरी जड़ी बूटी। सब लोग हंसने लगे। सबको लगा कि दर्श तो हार ही जाएगा। चंद्रन ने सुनहरी जड़ी बूटी निकालकर टेबल पर रखी और वो हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया दर्श से लड़ने के लिए। क्या होने वाला था आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। चारू चंद्रन को दर्श के सामने ऐसे लड़ने के लिए खड़ा हुआ देखकर बोली, दर्श ने अभी अभी तीसरा स्तर पार किया है, वो अभी भी भीतरी शिष्य बना है और तुम उसके साथ दाव खेलने जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? चंद्रन ने कहा, शर्म इस दर्श को आनी चाहिए, पहले तो यहां आकर हमारे बीच में खड़े रहने की इसने हिम्मत की और दूसरा मुझसे खानदानी सुनहरी जड़ी बूटी मांगी। अजीत आगे आया और उसने कहा, चारू, तुम्हें दर्श की इतनी ही चिंता है तो हम उसे जाने देंगे,
और दिखाओगे सबके सामने चंद्रन के आगे घुटने टेक कर उससे माफी मांगे और कहे कि मैं दर्श मालाबार एक लूजर हूँ, हम उसे जाने देंगे। सब लोग हंसने लगे। मकान में हाजिर सब दर्श का मजाक बनते हुए खुश हो रहे थे, मजा ले रहे थे। चारू को बहुत गुस्सा आ रहा था पर दर्श एक मुस्कान के साथ सब सुन रहा था और सब देख रहा था। चारू ने कहा, चंद्रन तुम जो कर रहे हो वो गलत है। पहले तुमने सबूत मांगा और जब मैंने खुद सबूत दिया तो तुम इस बात से इनकार कर रहे हो। तुम मार्शल आर्ट्स में दर्श को ऊपरी स्तर के दाव से दबाना चाहते हो, ये करके तुम अपनी बुजदुरी को छुपा रहे हो। चंद्रन ने गुस्से से चारू को देखा। अजीत भी गुस्से से चारू की ओर आगे आया और बोला, चारू पहले तो तुम इस दर्श की तरफदारी करने की गुस्ताखी कर रही हो और अब हमारे सामने बोलने की हिम्मत कर रही हो। तुम अजीत चारू की ओर गुस्से में आया। दर्श ने चारू के आगे आके उसे सुरक्षित कर लिया। अजीत रुक गया। चंद्रन ने दर्श से कहा, अच्छा तो अब तू अजीत के सामने आएगा। सब लोग फिर से हंसने लगे। दर्श ने कहा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मुझे इज्जत से वो सुनहरी जड़ी बूटी दे दो। चंद्रन ने कहा, ले जा सुनहरी जड़ी बूटी, वो रखी वहां टेबल पर। सिर्फ उस जड़ी बूटी तक पहुंचने से पहले तुझे मेरे पास से गुजरना होगा। सब लोग फिर हंसने लगे। अजीत ने कहा, क्या हुआ, क्यों कुछ बोल नहीं रहा? चंद्रन ने कहा, दर्श तेरे पास दो रास्ते हैं, एक ये कि तू मुझसे माफी मांग और कबूल कर ले कि तू लूजर है, या फिर मुझसे हार कर यहां से चला जा। सब लोग हंसने लगे। चंद्रन और अजीत को भी कुछ भी करके सिर्फ दर्श का मजाक बनाना था। अब दर्श के पास कोई रास्ता नहीं था। मकान में मौजूद सब लोगों के लिए दर्श फंस चुका था। दर्श ने चंद्रन को तेज नजर से देखा। पूरे मकान में गंभीर माहौल बन गया था। सबकी नजर चंद्रन और दर्श पर थी। सबको लग रहा था कि दर्श की आज हालत खराब होने वाली है। चंद्रन ने पोजीशन ली। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, दोनों हथेलियों की मुट्ठी बंद करके अपनी आंखें बंद कर ली। एक तेज हवा का झोंका आया, चंद्रन की मुट्ठी में जैसे तेज रोशनी निकली। ये चौथे स्तर का मार्शल आर्ट्स का दाव था और इस दाव का सामना कोई भी साधारण शिष्य नहीं कर सकता था। वो दाव था द 100 आर्म्स फिस्ट, 100 बाजुओं की शक्ति एक मुट्ठी में। चंद्रन ने जिस दाव की पहल की थी उसे देख सबको पता था कि दर्श उसका वार नहीं झेल पाएगा। चंद्रन ने अब उड़ान भरी। चंद्रन ऊपर हवा में गया। चारू बहुत डर गई थी, उसने दर्श को पीछे खींचा पर दर्श ने चारू का हाथ हटा दिया और दर्श ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो। दर्श की ये बात सुनकर चारू को अचानक से दर्श पर विश्वास बैठ गया कि दर्श कुछ ना कुछ तो करेगा ही। दर्श चंद्रन को देखता रहा, वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। सब दर्श को पागल समझ रहे थे कि क्यों वो वहां से पीछे नहीं हट रहा। शायद दर्श चंद्रन की ताकत देखकर इतना चौंक गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। पर जो भी हो, दर्श को अब चंद्रन के दाव से कोई नहीं बचा सकता था। चंद्रन हवा में उड़कर दर्श के पास तेजी से पहुंचा और वो दर्श के गले पे वार करने ही वाला था पर दर्श ने अपनी बाहें खोली और उसमें से एक अलग ही ऑरा बाहर निकला और चंद्रन उस ऑरा से ही रुक गया। दर्श ने अपना पंजा चंद्रन की छाती पर मारा और दर्श ने वो मायावी पंजा लगातार 6 से 7 बार चंद्रन की छाती पर मारा। चंद्रन जिस तेजी से हवा से उड़कर आया था, दर्श की वार से दुगनी तेजी से मकान के पीछे की दीवार पर उड़ा। दीवार से टकराकर वो फिर से दर्श के सामने आकर खड़ा हुआ और दर्श के कदमों के पास ही गिर गया। चंद्रन दर्द से चीख उठा। पूरे मकान में सन्नाटा छा गया। दर्श की ताकत और उसके पंजे का दाव देखकर सब दंग रह गए। किसी को अपनी आंखों देखे पर विश्वास नहीं हो रहा था। मकान में मौजूद सबने अपना सर झुका दिया। ये देखकर दर्श मुस्कुराया। चंद्रन दर्द से कराहते हुए बोला, वाह। चंद्रन के बोलने में कटाक्ष था। चारू खुशी से कूदने लगी। उसने अकेले दर्श के लिए ताली बजाई। दर्श ने अब अजीत को देखा और कहा, अजीत भैया क्या आपको भी मेरे साथ लड़ना है? मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप मुझसे कुछ 5 साल बड़े हैं। मैं तैयार हूं, पर फिर कोई ऐसा ना कहे कि बड़े ने छोटे को धमकाया और उसका सिखाव विद्या का फायदा उठाया। मैं हार जाऊं तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अगर मैं जीत गया तो आप जानते ही हैं कि मैं क्या लेकर जाऊंगा। अजीत कुछ नहीं बोला, क्योंकि दर्श की बात सही थी। क्योंकि इस भरी महफिल में अजीत अगर दर्श के सामने लड़ता है और जीत भी जाता है, फिर भी लोग अजीत की बुरी बात करेंगे, क्योंकि अजीत दर्श से उम्र में काफी बड़ा है। अजीत कुछ बोला नहीं और जिस टेबल पर सुनहरी जड़ी बूटी रखी थी उस टेबल के पास से अजीत हट गया। दर्श ने वो सुनहरी जड़ी बूटी उठाई और वो निकल रहा था। तब अजीत ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत ही प्रभावशाली, काफी सराहनीय, क्या बात है मेरे भाई। अजीत के मुंह से भाई सुनकर दर्श और चारू को थोड़ी सी हंसी आ गई। अब मकान में मौजूद सबने ताली बजाकर दर्श की प्रशंसा की।
चंद्रन ने यह देखकर बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा था। चंद्रन ने खुद ही खुद का अपमान करवा दिया था। अजीत ने चंद्रन से कहा, चंद्रन तुमने तो आत्म अपमान किया आज दर्श को ललकार के, पर आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझसे वापस मिल गया है। अजीत ने दर्श को गले लगा लिया। चंद्रन को यह अच्छा नहीं लगा। दर्श और चारों को भी अजीत का यह बर्ताव बहुत अजीब लगा। दर्श को गले लगाने के बाद अजीत के चेहरे पर राक्षसी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा है और दिखा कुछ और रहा है। अजीत ने दर्श की बहुत तारीफ की। दर्श को थोड़ा अंदाजा आ गया कि अजीत का ये प्यार झूठा है। दर्श ने सबको हाथ जोड़े। दर्श अब आगे आया, उसने चंद्रन को उठाया। सब लोग ये देखते ही रह गए। चंद्रन ने सबके सामने स्पोर्टिंग स्पिरिट बनाए रखने के लिए दर्श की पीठ थपथपाई और हल्के से मुस्कुराया। दर्श और चारू निकलने जा रहे थे तब अजीत ने कहा, दर्श भूलना मत तुम मलवार परिवार से हो और ये समूह उतना ही तुम्हारा है जितना हम सबका। तुम हमारे साथ हो। चारू ये सुनकर बहुत खुश हो गई, पर अजीत के चेहरे की मुस्कान कुछ और ही बोल रही थी। दर्श ने चंद्रन से कहा, जाने से पहले दो चीज कहना चाहूंगा। स्वधर्मी और आत्म अपमानित, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। अगली बार ऐसा करने से पहले इन्हें याद कर लेना और अगर नहीं पता है तो इनका अर्थ आप ढूंढ लेना। दर्श हंसकर वहां से बाहर निकल गया। चारों भी उसके पीछे गई। मगान में अब बहुत ही शर्मिंदगी का माहौल बन गया था। सबको लगा था कि वो दर्श का मजाक बनाएंगे, पर यहां बाकी सब एक मजाक बनकर रह गए। पर अभी भी कोई दर्श की शक्ति और ताकत पर विश्वास नहीं कर पाया। जिसे आज तक पूरे 5 साल से बेकार समझा जा रहा था, आज अचानक एक अलग ही अवतार में सबके सामने आया। दर्श मकान के बाहर आकर बहुत ही खुश था। पूरी जिंदगी वो सबके ताने सुनता रहा, सब उसका मजाक बनाते रहे, वो सहता रहा। आज पहली बार उसने सबको जोरदार जवाब दिया था। दर्श को लगा आज पहली बार उसने मालाबार परिवार के उसके बाकी सब भाइयों को धमकाया, पर फिर उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। मैंने तो वही किया जो उन्होंने कहा। मैंने थोड़ी पहल की थी। पर आज दर्श को इस किस्से के बाद एक अलग ही संतोष मिला था। दर्श जा रहा था और पीछे से बहुत ही मीठी आवाज में और बहुत ही खुशी के साथ किसी ने कहा, दर्श। दर्श ने मुड़कर देखा तो चारू थी। चारू दौड़कर आए और दर्श को गले से लगा लिया। चारू ने दर्श को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, दर्श तुम मेरे भाई दर्श ही हो ना? सच बोलना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं। दर्श ने तुरंत चारू को रोका और कहा, चारू तुम मेरे पीछे बाहर क्यों आई? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम जानती हो हमारा मलाबार समूह टूट सकता है। चारू ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने सुना नहीं अजीत भैया ने क्या कहा? दर्श ने कहा, चारू तुम भी जानती हो कि उसमें कितना सच और कितना झूठ था। चारू ने कहा, महत्व उसका नहीं कि उन्होंने जो कहा वो सच है या झूठ, उनका प्यार दिखावा था या सच। महत्व इस बात का है कि आज की बात कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ना ही तुम्हारा मजाक बनाएगा। दर्श ने कहा, शायद। चारू ने उसे देखा तो दर्श हंस पड़ा और बोला, मजाक कर रहा हूं। चारू ने दर्श से कहा, तुम अकेले अमृत की खोज नहीं कर पाओगे। कल मिलना, कल हम साथ मिलकर अमृत की खोज करेंगे। दर्श ने कहा, मुझे नहीं लगता मैं मलाबार समूह का हिस्सा बन पाऊंगा। अगर उन्होंने मुझे समूह में ले भी लिया तो ये दिल से नहीं होगा। चारू ने कहा, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, ये लो। चारू ने दर्श को एक बैम्बू दिया जिसमें अगले दिन अमृत की खोज की शुरुआत कहां से करनी है वो जगह लिखी हुई थी। चारू का उत्साह देखकर दर्श कुछ बोला नहीं, उसने वो बैम्बू ले लिया। चारू वहां से खुशी में निकल गई। दर्श उसे देखता ही रह गया। चारू वापस उस मकान की ओर गई। वो सोच रही थी कि दुनिया में इज्जत उसी की होती है जिसके पास ताकत होती है, और अब दर्श के पास वो ताकत थी। अब दर्श को मलबार परिवार में आने से कोई नहीं रोक सकता। अब पूरा परिवार एक हो जाएगा। चारू जैसे ही मकान के पास पहुंची, उसने देखा कि काफी लोग वहां से चले गए थे। अजीत भी बाहर आ गया था। चारू ने अजीत से कहा, भैया ये सब क्यों चले गए? अजीत ने कहा, यही तो होना था। तुमने भी दर्श का पक्ष लेके ठीक नहीं किया। तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए था। अजीत का बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसकी आवाज में दर्श के लिए नफरत साफ सुनाई दे रही थी। चारू ने कहा, भैया आपने खुद दर्श की तारीफ की थी ना, अब अचानक आपको क्या हो गया? अजीत ने तुरंत अपनी बात बदल ली और कहा, कैसा लगा मजाक? कल दर्श को हमारे समूह के साथ ले जाना अमृत की खोज में। यह सुनकर चारू की जान में जान आई। अजीत ने कहा, अब जाओ और आराम कर लो, कल सुबह जल्दी जाना है। मैं भी जाकर सो जाता हूं।
चारू वहां से जा रही थी और वो खुद से बात कर रही थी। दर्श अभी चौथे स्तर में आया है, पर आज उसे देखकर ऐसा लगा कि वो बहुत जल्दी चौथा स्तर पार कर लेगा। चारू के पास से गुजर रहे दो शिष्यों में से एक ने कहा, आप ज्यादा ही सोच रही हैं। आपको पता नहीं, परीक्षा में एक बहुत ही तेज और बहुत ही शक्तिशाली शिष्य निकला है, उसके सामने दर्श तो कुछ भी नहीं है। चारू ने कहा, बहुत मतलब कितना शक्तिशाली? दूसरे शिष्य ने कहा, अकेला 40 राक्षसों को एक साथ मारने वाला, आज तक ऐसा ना कोई आया ना कोई आएगा। चारू ने कहा, उसका नाम क्या है, मुझे जानना है। पहले शिष्य ने कहा, उसने अपनी शक्तियों को गुप्त रखने का निर्णय लिया है, कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है। चारू उसी विचार में मकान की ओर जा रही थी कि उसने एक अजीब चीज देखी। उसने चंद्रन और अजीत को जाते हुए देखा और वो दोनों अपने कमरे की ओर नहीं जा रहे थे। चंद्रन और अजीत उस दिशा में जा रहे थे जहां दर्श गया है। चारू को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अभी अजीत ने उसे कहकर गया कि वो सोने जा रहा है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चारू ने उन दोनों का पीछा किया। चंद्रन और अजीत को पता ना चले वैसे चारू उनके पीछे जा रही थी। दर्श एक सुनसान जगह पर अकेला बैठा था। वो अचानक बोला, छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। और वहां बड़े पत्थर के पीछे से दो आदमी बाहर आए। वो दोनों और कोई नहीं, चंद्रन और अजीत थे। क्या होने वाला था आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। चारू चंद्रन और अजीत का पीछा करते हुए वो जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में जा रही थी। चारू को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि इतने सालों से सब दर्श के खिलाफ हैं, फिर भी उसने आज अजीत की बात पर विश्वास किया। चारू का मानना था कि पूरा परिवार एक साथ रहे, पर हर बार दर्श को ताने मारे जाते थे, और आज जब वो तीसरा स्तर पार करके चौथे स्तर का अभ्यास कर रहा है, फिर भी उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। चारू दर्श को मलाबार समूह में लाना चाहती थी, पर उसे दर्श को सबके सामने लाकर बड़ा अफसोस हो रहा था। माना दर्श को कुछ हुआ नहीं और उसने बराबर जवाब दिया, पर अगर ऐसा ना होता तो दर्श की क्या हालत होती आज। और अब भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। चंद्रन और अजीत के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अपने भाई के लिए इतना द्वेष, माना सगा भाई नहीं है पर भाई तो है ना। इन सब में चारू को उसके बड़े भाई अभय की बात याद आई। अभय मलाबार परिवार का है, वो चारू से बड़ा है। जब अजीत चारू से ये कहकर निकला था कि कल दर्श को अमृत की खोज के लिए हमारे समूह में ले लेना, उसके बाद चारू को अभय मिला था। मालाबार समूह में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, उसका फैसला अभय के हाथ में रहता था। अभय ने खुद चारू से कहा था कि अब जब दर्श तीसरा स्तर पार करके यहाँ आ गया है तो हम उसे हमारे समूह में शामिल कर लेंगे। चारू को ये बात से थोड़ी राहत हुई थी, पर उसकी चिंता फिर से बढ़ गई थी। यहाँ चारू चिंता में थी कि वहां चंद्रन और अजीत दर्श के पास पहुंच गए थे। दर्श ने जब उन्हें बाहर आने को कहा तब अजीत ने कहा, जागरूकता, लगता है मैंने तुम्हें बहुत कम समझा। चंद्रन की आंखों में दर्श के लिए इतना गुस्सा था मानो वो उसे अभी जान से मार देगा। दर्श के दाव के बाद चंद्रन की हालत अब ठीक थी, पर उसका गुस्सा बढ़ गया था। चंद्रन ने कहा, दर्श एक बार तीर निशाने पर लग जाए तो जरूरी नहीं कि हर बार तीर निशाने पर लगे। दर्श ने कहा, मुझे कोई निशाना नहीं लगाना भैया। अजीत ने कहा, क्या ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। चंद्रन ने कहा, देखो दर्श, यहां हमारे तीन के अलावा और कोई नहीं है, ना ही तुम्हारा पक्ष लेने वाली तुम्हारी प्यारी बहन चारू, और ना ही समूह का कोई शिष्य है। यहां मैं और अजीत हैं, और हमारे सामने तुम अकेले हो। यहां तुम हम दोनों का सामना नहीं कर पाओगे। दर्श ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो वहां भी आपका सामना नहीं करना चाहता था, आपने मुझे मजबूर किया, और अभी भी मैं तो यहां शांति से बैठा था, आप दोनों ही यहां आए। चंद्रन ने कहा, दर्श सीधे तरीके से वो सुनहरी जड़ी बूटी हमें दे दो और हमारे कदमों में गिरकर माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। दर्श हंसकर बोला, क्या आप दोनों यहां मुझे लूटने आए हैं? चंद्रन और अजीत को दर्श की मुस्कान बहुत खलती थी। कुछ भी हो जाए दर्श हमेशा मुस्कुराता रहता था। अजीत ने कहा, लूटना और तुम्हें, तुम्हारे पास है क्या, औकात देखिए खुद की। दर्श ने कहा, आप दोनों जो करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ताकत की आवश्यकता है, ये आप जानते हैं ना। इतने सालों से सब मिलकर दर्श का मजाक बनाते थे, पर आज दर्श अकेला सब पर भारी पड़ रहा था। दर्श की यह बात सुनकर चंद्रन और अजीत का गुस्सा बढ़ गया, और अजीत ने कहा, हमें ललकार रहा है, ताकत क्या होती है अब मैं तुझे दिखाता हूं।
इतना बोलकर अजीत हवा में उड़कर एक सेकंड के अंश में दर्श के सामने आ गया। अजीत की हथेली ईगल के पंजे जैसी हो गई थी। अजीत दर्श से उम्र में काफी बड़ा था और जाहिर है कि अजीत की मार्शल आर्ट्स की कला का अनुभव भी उतना ही ज्यादा था। अजीत जो कला जानता था वो मार्शल आर्ट्स के चौथे स्तर में बहुत ही उच्च कक्ष की थी और अजीत ने वो कला बहुत अभ्यास करके प्राप्त की थी। पर अजीत नहीं जानता था कि उसके सामने कौन था, एक बहुत ही क्रूर इंसान जिसने 40 खतरनाक धातु के राक्षसों को अकेले मार दिया था। अजीत ने अपना दाव खेला। अजीत दर्श के गले पर अपने ईगल पंजे से मारने गया। दर्श उस दाव से छूट गया। दर्श ने तुरंत अपने पैर फैलाकर स्प्रिट किया और वो नीचे बैठ गया। अजीत का दाव हवा में गया। दर्श हवा में उड़ा और नीचे आके वो अपने एक पैर पर खड़ा रहा और फिर एक पैर पर खड़े रहकर ही वो पूरा गोल घूम गया और ऐसे वो गोल गोल घूमता रहा बहुत तेजी से। अजीत दर्श का ये बचाव देखकर चौंक गया और उसने फिर से दर्श के ऊपर आक्रमण किया। इस बार दर्श अपने पैरों को क्रॉस करते हुए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगा और दर्श अपने पैर इतनी तेजी से क्रॉस कर रहा था कि अजीत उसके पैर भी नहीं देख पा रहा था। अजीत के लिए दर्श की ये मूवमेंट चौंकाने वाली थी। अजीत दर्श के पीछे पीछे उस पर वार करने उड़ता रहा और दर्श दुगनी तेजी से अपने पैरों को क्रॉस करके यहां से वहां शिफ्ट होने लगा, अजीत को अपने पीछे भगाता रहा। दर्श की बढ़ती ताकत को देखकर अजीत जितना चौंक रहा था उतना ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था। दर्श और अजीत की लड़ाई देखकर चंद्रन के होश उड़ गए। चंद्रन को लगा कि अजीत के सामने दर्श टिक नहीं पाएगा, पर दर्श की ताकत की सीमा नहीं थी। चंद्रन और अजीत जिस दर्श को जानते थे ये वो तो नहीं था। ये दर्श उनके लिए कोई चमत्कार से कम ना था। दर्श ने सिर्फ तीसरा स्तर पार किया था पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा है। दर्श जिस तेजी से घूम रहा था उसने उसी तेजी से अजीत पर वार किया। अजीत ने बहुत कोशिश की उसके वार से पीछे हटकर खुद को बचाने की, पर वो नहीं बचा पाया। अजीत के पास एक ही रास्ता था बचने का। उसने अपने दोनों हाथों को बंद करके अपनी बाहों में छिपा लिया दर्श के दाव से बचने के लिए। पर ऐसा होता देख दर्श मुस्कुराया और उसने वार नहीं किया। वो अजीत के बहुत करीब से निकल गया। अजीत डर गया था। अब तक अजीत ने दर्श को मजाक में लिया था। अब उसके वार और ताकत देखकर अजीत ने इस लड़ाई की गंभीरता को समझा। दर्श को पीछे जाते देख अजीत ने तुरंत उस पर अपने दोनों हाथों से वार किया, पर दर्श ने उस वार का सामना एक पैर पर गोल घूम के किया। अजीत ने अपने कदम पीछे हटा लिए। अजीत ने कहा, मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे दाव हैं, सब सीख सकते हो तुम, पर जब कोई खुद एक हथियार बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। दर्श ने सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। अजीत को दर्श की मुस्कुराहट बहुत खलती थी। अजीत ने अब अपने बदन पर एक्यूपंचर्स के पॉइंट्स को दबाया और वो जोर से चिल्लाया और अचानक उसकी मुट्ठी बड़ी हो गई। अजीत की काया एकदम से बढ़ गई और उसका रंग बदल गया। अजीत की चमड़ी सफेद से हरे रंग की हो गई और उसमें से उसकी नस दिख रही थी। अजीत अपने कद से 3 गुना बड़ा हो गया था। अजीत जोर से बोला, ऊपरी स्तर की कला, और वो राक्षस जैसे हंसा। दर्श उसे देखता रहा। अजीत ने जो मार्शल आर्ट्स का दावा भी खेला था वो बहुत ही ऊपरी स्तर का था। उस दाव को मैन ऑफ स्टील कहा जाता है और ऐसे दाव के सामने पानी, अग्नि, हथियार, बंदूक सब हार जाते हैं क्योंकि इसमें शरीर खुद एक हथियार बन जाता है। चंद्रन को अब विश्वास था कि अजीत के इस दाव के सामने दर्श हार जाएगा और उसका बदला पूरा हो जाएगा। दर्श अचानक से रुक गया। वह अजीत को देखता ही रहा और दर्श को ऐसे देखकर अजीत का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे लगा दर्श हार जाएगा क्योंकि अजीत जानता था कि इस दाव का सामना करने के लिए मार्शल आर्ट्स का बहुत ज्यादा अभ्यास चाहिए और दर्श अभी अभी भीतर शिष्य बना है और 10 दिन में उसने क्या ही अभ्यास किया होगा। अजीत बहुत खुश था। उसे दर्श लाचार नजर आ रहा था। अजीत ने कहा, दर्श घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो वरना। अजीत अपनी बात खत्म करे उससे पहले ही दर्श वहां से हवा में उड़कर गायब हो गया। अजीत ने आसपास देखा, उसे दर्श कहीं नजर नहीं आया। अचानक अजीत की आंखों के सामने एक मुट्ठी आई और वो दर्श की मुट्ठी थी। दर्श अजीत पर वार करने आया था पर अजीत ने दर्श की मुट्ठी को अपने हाथ से टक्कर मार दी और जैसे अजीत और दर्श के हाथ टकराए अजीब सी आवाज आई, मानो जैसे वो दो हाथ इंसान के नहीं पर धातु के राक्षस के हो। अजीत ये देख नहीं पाया कि दर्श ने इस दाव का भी सामना किया और सामने वार किया। अजीत इस बार कोई भी भूल नहीं करना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी में दर्श की कलाई पकड़ ली थी। दर्श चौंक गया। अजीत ने कहा, अब बोल। अजीत ने अब अलग दाव खेला था। अजीत की मुट्ठी से दर्श का बच के निकलना मुश्किल था पर वो दर्श था, उसे कौन रोक सकने वाला था।
अजीत अपने इस दाव की खुशी मनाए उससे पहले दर्श गायब हो गया। अजीत की मुट्ठी खाली रह गई। अजीत कुछ समझ पाए तब तक उसकी छाती पर जोर से एक पंजा लगा। वो पंजा दर्श का था। दर्श ने मायावी पंजे का इस्तेमाल किया था। दर्श के उस मायावी पंजे की वार में इतनी ताकत थी कि अजीत 10 फीट तक हवा में दूर जाकर फिर जमीन पर गिरा। अजीत दर्श से चीख उठा। चंद्रन दर्श का ये वार देखकर पागल हो गया। उसे बात हजम नहीं हो रही थी कि अजीत जो 34 स्तर में है और जिसने मार्शल आर्ट्स का इतना अभ्यास किया है वो दर्श से हार गया। दर्श ने मायावी पंजे का इस्तेमाल किया। मायावी पंजा तो 34 स्तर में आता है और दर्श कैसे ये दाव इतने अच्छे से खेल सकता है। चंद्रन और अजीत के मन में दर्श को लेकर हजारों लाखों सवाल उठ रहे थे। अब तक चंद्रन और अजीत को दर्श पर बहुत गुस्सा था। वो कुछ भी करके दर्श को हराना चाहते थे, उसे नीचा दिखाना चाहते थे, पर अब उनके मन में दर्श के प्रति गुस्से से ज्यादा डर बैठ गया था। अजीत की हालत खराब थी। चंद्रन उसे सहारा देने उसके पास भागा। अजीत उठा तो पर इस बार दर्श का सामना करने नहीं, वहां से भागने के लिए। चंद्रन और अजीत दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे कि दर्श अचानक से उनके सामने आ गया और उनको रोक दिया। चंद्रन ने बहुत शांति से दर्श से पूछा, दर्श तुम्हें क्या चाहिए? चंद्रन अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहा था। चंद्रन और अजीत का अभिमान इतना था कि वो दोनों हार कर भी ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वो हार गए। उन्होंने आज अलग ही दर्श को देखा था। दर्श ने कहा, अब और लड़ना नहीं है तो वो तुम्हारे बदन पर जो भी कुछ है वो मुझे दे दो और घुटनों पर गिरकर मुझसे माफी मांगो। दर्श की यह बात सुनकर चंद्रन और अजीत को गुस्सा आया, पर उन दोनों में दर्श का सामना करने की ताकत नहीं थी। अजीत ने कहा, दर्श इतना बुरा बनने की जरूरत नहीं है। दर्श हंसकर बोला, मैं बुरा हूं? मैं? पूरी जिंदगी तुम लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, मेरा मजाक उड़ाते आए, मुझे कभी तुमने परिवार का सदस्य नहीं माना, और सच कहूं तो इस बात से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। मुझे फर्क तब पड़ता जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता। मैंने भी तुम्हें कभी अपना परिवार नहीं माना है। ये सुनकर अजीत और चंद्रन को बहुत ही शर्म महसूस हुई। बर्फ जैसा उनका अभिमान मानो दर्श की ताकत की गर्मी से पिघल रहा हो। ऐसी हालत हो गई थी अजीत और दर्श की। पर आदत से मजबूर अजीत ने अपना मुंह फिर खोला। अजीत ने कहा, तुम परिवार की बात कर रहे हो ना, पर अब मैं चारों को पहले की तरह एक साथ नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि उसने तुम्हारी तरफदारी की है। हाँ, वो हमारी बहन है, इसलिए उसकी रक्षा जरूर करेंगे, पर वो प्यार अब नहीं रहेगा। चारों के बारे में सुनकर दर्श का मुंह गुस्से से लाल हो गया और कुछ भी सोचे समझे बिना दर्श ने अजीत और चंद्रन के ऊपर छलांग लगाई और दोनों के मुंह पर जोर से चाटा मारा। अजीत के मुंह से खून निकल गया। दर्श ने अजीत से कहा, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलती? ताने मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें? दर्श ने अब एक साथ 5-6 बार अजीत को चाटा मारा। अजीत के मुंह से फिर से खून की पिचकारी उड़ी। दर्श को चारों के बारे में सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने अजीत से कहा, बोलो अब, बोलो, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने का? बोलो अब, अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, बोलो कि तुमने मुझसे पंगा लेकर गलती की है, बोलो। अजीत के मुंह से खून निकल रहा था और दर्श के वार की वजह से उसके चेहरे पर सूजन आ गई थी, फिर भी उसकी अकड़ कायम थी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे बेकार आदमी की माफी मांगू? दर्श ने सुनकर अब अजीत को लगातार मारना शुरू किया। अजीत का चेहरा सूजन से पूरा गोल हो गया था। चंद्रन दर्श का गुस्सा देखकर डर गया था। दर्श लगातार अजीत को मारता रहा। क्या होने वाला था आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। दर्श लगातार अजीत को मारता रहा। चंद्रन ने यह देख नहीं पाया। चंद्रन अजीत को बचाने आगे बढ़ा। चंद्रन ने कहा, दर्श रुक जाओ वरना मैं तुम्हें। चंद्रन आगे बढ़कर दर्श को रोकने गया। दर्श ने एक हाथ घुमाया और चंद्रन जमीन पर गिर गया। दर्श की एक ही वार से चंद्रन दर्द से रो पड़ा। चंद्रन उसके और दर्श के बीच का फर्क जान गया था। चंद्रन समझ गया था कि दर्श की ताकत के सामने टिक पाना नामुमकिन है। ये देख अजीत गुस्से से बोला, बहुत ताकत है ना तुझमें, हिम्मत है तो मुझे जान से मार दे, खत्म कर दे मुझे। दर्श ने कहा, सच्ची? मैं कर सकता हूं, अब तक इतना तो शायद आप मुझे पहचान गए होंगे। दर्श की मुस्कान और उसकी आंखें देखकर अजीत डर गया। अजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। अजीत ये समझ गया था कि दर्श को अब ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, वो किसी भी हद तक जा सकता था। अजीत ने दर्श की आंख में खून देखा था। दर्श ने अजीत से कहा, तुम्हें जान से क्यों मारूं?
तुम्हारी जान तुम्हारी एनर्जी है जिससे तुम मार्शल आर्ट्स की कला का अभ्यास करते हो, मैं उस एनर्जी को मार दूंगा। फिर तुम कभी भी मार्शल आर्ट्स का कोई दाव नहीं कर पाओगे, ना ही तुम कभी उसका अभ्यास कर पाओगे। जिस कला का तुम्हें इतना घमंड है उसे ही नष्ट कर दूंगा, तुम जीते जी मर जाओगे। इतना कहकर दर्श ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और उसके हाथ से तेज रोशनी निकली और दर्श उस रोशनी का तीर अजीत की छाती पर मारकर उसकी एनर्जी को खत्म करने ही जा रहा था, तभी अजीत जोर से बोला, नहीं मुझे माफ कर दो, तुम जीत गए मैं हार गया, मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगता हूं। दर्श ये सुनकर रुक गया, वो जोर से हंसा। दर्श ने अजीत पर वार नहीं किया, दर्श ने अजीत को छोड़ दिया। चंद्रन ने अजीत को उठाया, दर्श ने दोनों को देखा और कहा, देखो खुद को, और अब बोलो बेकार कौन है, बोलो बेकार कौन है। अजीत ने कहा, हम बेकार हैं। दर्श जोर से हंसा। चंद्रन और अजीत ने फिर एक बार दर्श की माफी मांगी और दोनों ने दर्श का आभार माना उन्हें जिंदा छोड़ने के लिए। चंद्रन और अजीत ने आज मौत को बहुत करीब से देखा था। चंद्रन अजीत को सहारा देकर उसे वहां से ले गया। उनके जाने के बाद दर्श भी अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसका ध्यान जमीन पर गया। रात के अंधेरे में उसे एक चमकीली चीज नजर आई। दर्श ने तुरंत उसे पकड़ लिया, 5 चांदी की चमक वाली जड़ी बूटी। ये सुनहरी जड़ी बूटी जितनी असरदार तो नहीं होती है, पर इस जड़ी बूटी का भी एक अलग महत्व है। दर्श वो 5 चमकीली जड़ी बूटी अपने हाथों में लेकर निकला। सब निकल गए, फिर एक साया नजर आया, वो चारू थी। चारू बहुत ही खुश थी। चारू दर्श को बचाने आई थी, पर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने सब कुछ देख लिया था। चारू की खुशी की सीमा ना थी। चारू ने कहा, दर्श तुम कौन हो, ये कैसी अनोखी ताकत है तुम्हें। चारू को वो बचपन याद आ गया जब सब दर्श को छेड़ते थे, उसका मजाक बनाते थे। दर्श किसी को कुछ नहीं बोल पाता था, कोई दर्श को हल्के से मार कर जाता था तब भी दर्श कुछ नहीं कर पाता था। चारू को हमेशा से लग रहा था कि दर्श को उसकी बहुत जरूरत है, पर आज चारू को विश्वास हो गया कि दर्श अकेला ही सबके लिए काफी है। दर्श को किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद खुद की रक्षा कर सकता है। चारू ये बात जानती थी कि जितना प्यार उसे दर्श पर है उससे कहीं ज्यादा प्यार और चिंता दर्श को चारू की है। चारू को आज अपने छोटे भाई दर्श पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। चारू को आज लगा कि उसका ख्याल रखने वाला उसका एक बहुत ही शक्तिशाली भाई है। आज तक जिसे डरपोक और नाकामयाब समझ रहे थे वो इतना ताकतवर है कि उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह सकता। दर्श अपने कमरे में आया, उसने चारू का दिया हुआ वो बैंबू ध्यान से देखा जिसमें अगले दिन अमृत की खोज के लिए मिलने की जगह लिखी थी। दर्श का ध्यान उसके साथ बंधे हुए एक लेटर पर गया। दर्श ने तुरंत वो लेटर खोला, वो लेटर दर्श के बड़े भाई अमर का था। दर्श को याद आया कि चारू को वो सुनहरी जड़ी बूटी अमर भैया ने दर्श के लिए दी थी। दर्श ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया। अमर ने लिखा था कि इस साल मलाबार परिवार की बड़ी मीटिंग होने वाली है और वो चाहते हैं कि इस बार इस मीटिंग में दर्श भी हाजिर रहे। अमर दर्श से 2 साल बड़ा था और चारू की तरह अमर को भी दर्श से लगाव था। अमर ने लिखा था कि इस साल के परिवार की मीटिंग में उनके दादा हेड ऑफ फैमिली के पद से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और जाहिर है कि उनकी जगह उनके पिता को चुना जाएगा। अमर जानता था कि उनके पिता को दर्श से बहुत लगाव था और इसी वजह से अमर चाहता था कि दर्श इस मौके पर हाजिर रहे। दर्श जानता था कि हर साल परिवार की मीटिंग में मलाबार परिवार के युवा बच्चों के बीच में एक मुकाबला होता है। ये मुकाबला एकदम औपचारिक होता है, सिर्फ युवा में तेज कौन है ये जानने के लिए। इस मुकाबले से किसी की ताकत या उसका स्तर तय नहीं होता। दर्श को याद है कि पिछले साल देवू करके उसके एक भाई ने वो मुकाबला जीता था और उसने उस बात का बड़ा घमंड भी दिखाया था। दर्श ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए इन सब के बारे में बहुत विचार किया और फिर उसने अमर के लेटर का जवाब दिया। दर्श ने सामने जवाब में लिखा कि इस बार मैं मलाबार परिवार की मीटिंग में जरूर आऊंगा। दर्श ने तय कर लिया था कि इस साल वो अपने पिताजी को गर्व महसूस करवाएगा। दर्श ने देखा है कैसे उसके पिताजी उसकी सफलता के लिए तरसते रहे इतने सालों से। अब दर्श के पास मौका भी था और ताकत भी थी उसके पिताजी को खुश करने के लिए। दर्श ने वो लेटर लिखने के बाद 3 सुनहरी जड़ी बूटी और अभी मिली हुई चमकीली जड़ी बूटी को अपने दोनों हाथों के बीच रखा। उसने वो 3 सुनहरी जड़ी बूटी और 5 चमकीली जड़ी बूटी को अपने दोनों हाथों की हथेली बीच में घिसा। दर्श को एक झटका लगा, दर्श की आंखों में एक चमक आ गई। दर्श को अब जाकर अपने अंदर की एनर्जी को पूरा ईंधन मिला हो ऐसा लगा। दर्श जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था उस हिसाब से उसे ऐसी 20 जड़ी बूटी की जरूरत थी। अगर उसे वो मिल जाए तो आगे के सभी स्तर वो आसानी से पार कर लेगा, पर इतनी सारी जड़ी बूटी की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है।
उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। दर्श ने सोचा, फिलहाल के लिए काफी है, पर अब उसे कल अमृत को खोजकर मेहनत करनी होगी और वहां से जितनी जड़ी बूटी मिल सके ढूंढनी होगी। अगले दिन सुबह दर्श पहुंच गया था उस जगह पर जहां चारू ने उसे अमृत की खोज के लिए बुलाया था। दर्श के हाथ में सामान बहुत था। दर्श जहां आया था वहां बहुत भीड़ थी। दर्श आसपास सबको देख रहा था, सब खाली हाथ आए थे। दर्श सोच रहा था कि 10 दिन की एक खोज में इसमें सब बिना कुछ खाने पीने के सामान के लिए कैसे जा सकते हैं। चारू ने दर्श को बुलाया। चारू भी खाली हाथ आई थी। दर्श ने कहा, चारू ये हमें अमृत की खोज में 10 दिन लगेंगे और तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गई। चारू ने दर्श के पास सामान देखा। वो हंसकर बोली, तुम सब सामान लेकर आयो। दर्श ने कहा, क्यों नहीं। चारू ने कहा, दर्श अमृत की खोज में हर समूह में सबको अलग अलग काम दिए जाते हैं। समूह में से गिने चुने लोग सबका खाना लेके आते हैं, बाकी सब अमृत की खोज में जाते हैं और ये काम सबकी ताकत के हिसाब से बांटा जाता है और वैसे ही जड़ी बूटी भी सबको उनकी ताकत के हिसाब से मिलेगी। दर्श को ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, खैर जो भी है, अब शुरुआत कहां से करनी है। चारू दर्श को मालाबार समूह के पास ले गई। दर्श ने देखा कि कल के हिसाब से समूह में एक आदमी कम था और वो था अजीत। दर्श ने अजीत को इतना मारा था कि वो उसकी चेहरे की सूजन लेकर किसी के सामने आ नहीं सकता था। चारू ने दर्श को वहां ले जाकर कहा, तो मालाबार समूह के आखिरी सदस्य से मिलिए, दर्श मालाबार। चारू ने खुशी से ताली बजाते हुए दर्श का स्वागत किया। वहां समूह में मालाबार परिवार के अलावा और भी शिष्य थे और उन्होंने दर्श की ताकत देख ली थी। सबने दर्श को एक सकारात्मक दृष्टि से देखा, पर मालाबार परिवार के सभी सदस्यों ने दर्श को आज भी नफरत की नजर से देखा। अभय आगे बढ़ाया और उसने कहा, चारू तुम पागल हो, इसे यहां लेकर क्यों आई हो। चारू ने कहा, भैया आप ही ने कल रात को दर्श को हमारे समूह का हिस्सा बनाया था। अभय ने साफ इनकार कर दिया। वो अपनी बात से मुकर गया। मालाबार परिवार में से दूसरी आवाज आई, अभय की बात सही है, इसे निकालो यहां से। सब जानबूझकर दर्श का अपमान कर रहे थे। दर्श को अब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। उसने नहीं सोचा था कि अभय उसका ऐसे स्वागत करेगा। चारू ने गुस्से में कहा, अभय भैया अगर दर्श हमारे समूह में नहीं आ सकता तो मैं ये समूह छोड़ दूंगी। अभय हंसा। उसने कहा, चारू तुम भूल रही हो, ये कोई साधारण समूह नहीं है, ये मालाबार परिवार का समूह है। अगर तुम समूह से बाहर जा रही हो तो तुम मालाबार परिवार से भी बाहर हो जाओगी। ये सुनकर चारू रोनी जैसी हो गई। उसने दर्श को देखा और कहा, दर्श तुम जानते हो कि मैं। दर्श ने कहा, चारू इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस समूह का हिस्सा बनने की, तो अभय आज तुमने जो कहा है वो याद रखना, क्योंकि मैं वादा करता हूं कि आज तुमने जो भी किया है उस पर आगे जाकर तुम्हें बहुत अफसोस होगा। दर्श की यह बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। आज भी दर्श को गंभीरता से कोई ले ही नहीं रहा था। दर्श को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता था। खुद को साबित करने के बाद भी आज दर्श एक बार फिर से अपमान सहन कर रहा था और हमेशा की तरह आज भी दर्श के चेहरे पर एक मुस्कान थी। यहां मालाबार परिवार के सभी सदस्य दर्श पर हंस रहे थे। वहीं पर चारू की नजर सामने से आ रहे दो आदमी पर गई। दोनों ने आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए थे। दोनों के हाथ में गन्ना था और वो दोनों गन्ना चबाते हुए मालाबार समूह की ओर बढ़ रहे थे। पर उनके ऐसे मैले वेश में भी एक बात थी जिसने सबका ध्यान उनकी ओर खींचा, और वो था उनके गले में लटक रहा मेडल। दोनों आदमी के गले में सोने का मेडल था जिस पर पंख के निशान थे। पंख के निशान वाला सोने का मेडल मतलब वो दोनों राजवी समूह के आदमी थे। ऐसा मेडल सिर्फ राजवी समूह के लोग पहनते थे। राजवी समूह वहां का सबसे शक्तिशाली समूह, सबसे ताकतवर। इस समूह में जाने के लिए लोग तरसते हैं, पर इस समूह में कोई सामने से नहीं जा सकता था। इस समूह का हिस्सा बनने के लिए बहुत श्रम लगता था, बहुत अभ्यास लगता है और उससे भी ज्यादा बहुत ताकत लगती है। राजवी समूह में जाना मानो हर एक शिष्य का सपना हो। चारों उन्हें देखती ही रह गई। मालाबार समूह में चर्चा होने लगी। एक शिष्य ने कहा, ये तो ड्रैगन और टाइगर हैं। राजवी समूह ने इन दोनों को ये नाम दिए थे। दूसरे शिष्य ने कहा, ड्रैगन और टाइगर दोनों ने बहुत कम उम्र में 6ठा स्तर पार कर लिया है। चारू ने पूछा, कम मतलब कितनी उम्र में। पहले शिष्य ने कहा, 16 साल की उम्र में। ये सुनकर चारू उन दोनों से काफी प्रभावित हो गई। चारू ने कहा, क्या 16 साल में 6ठा स्तर पार कर लिया, मतलब ये लोग मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हैं। दर्श ने सोचा, अमर भैया ने 17 साल में 6ठा स्तर पार किया था।
ये लोग इतने शक्तिशाली कैसे हैं? शायद इसलिए उन्हें ड्रैगन और टाइगर का नाम दिया हुआ है। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो दोनों मलाबार समूह की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा आज तक हुआ नहीं था। राजवी समूह से कभी भी कोई भी सामने से चलकर किसी के पास नहीं जाता था। ऐसा तब होता था जब किसी ने उन्हें ललकारा हो। मलाबार परिवार के सभी सदस्य थोड़ा डर गए थे। उन्हें लगा कि शायद हमारे समूह में से किसी ने राजवी समूह को ठेस पहुंचाई है, वरना उनका यहां आने का क्या मकसद हो सकता है। ड्रैगन और टाइगर आगे बढ़ रहे थे। सब चिंता में थे। चारू तो उनके प्रभाव से निकल ही नहीं पा रही थी और दर्श की नजर उन दोनों पर से हट नहीं रही थी। आगे क्या होना था जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ड्रैगन और टाइगर मालाबार समूह के पास पहुंच चुके थे। मालाबार समूह में सब डर गए थे। उन्हें पता नहीं चला था कि किसने राजवी समूह को ललकारा था, क्योंकि ड्रैगन और टाइगर बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। उनके साथ पंगा लेना मतलब मौत को आमंत्रण देना जैसा था। ड्रैगन और टाइगर सीधा दर्श के सामने आकर खड़े रहे। मालाबार समूह में सब ने चैन की सांस ली। सब खुश हो गए कि ड्रैगन और टाइगर दर्श के पास गए हैं। ड्रैगन ने कहा, तुम ही दर्श हो? अभय और बाकी सब भाई बहन ने सोचा कि अब दर्श गया काम से। जरूर दर्श ने अपनी होशियारी में इनको छेड़ा होगा। दर्श ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, हाँ मैं ही दर्श हूँ, क्या हुआ, कोई काम है मुझसे? ये सुनकर टाइगर ने दर्श को ऊपर से नीचे तक देखा। टाइगर ने दर्श को आगे पीछे घूम के ध्यान से देखा। सबको यकीन हो गया कि ये दोनों यहाँ दर्श के लिए आए हैं। चंद्रन ने अभय से कहा, जरूर इस दर्श ने कुछ किया है। अभय ने कहा, अच्छा है ना, अब ड्रैगन और टाइगर के हाथों कुत्तों की मौत मरेगा, इसी लायक है बेकार इंसान। ड्रैगन और टाइगर ने फिर जो बात कही वो सुनने के बाद सबकी अकल बैर मारी गई। ड्रैगन ने कहा, दर्श क्या तुम हमारे राजवी समूह का हिस्सा बनना चाहोगे? ये सुनकर सबको बहुत बड़ा आघात लगा। अभय ने चंद्रन से कहा, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? चंद्रन ने कहा, तुमने क्या सुना? चारू पीछे से अभय और चंद्रन की खिंचाई करते हुए बोली, हाँ तुम दोनों ने सही सुना। अभय और चंद्रन को बहुत बड़ा झटका लगा, पर साथ ही पूरा मलाबार समूह उस शौक में था कि जिस समूह का हिस्सा बनने से सब तरसते रहते हैं, उस समूह का सामने से आमंत्रण दर्श को आया है, उस दर्श को जिसे आज तक सब बेकार समझते रहे। अभी की बात है जब अभय ने दर्श को मालाबार समूह का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया था, और अब दर्श को राजवी समूह का आमंत्रण आया है। ये बात वहां मौजूद लोगों को हजम नहीं हो रही थी। समूह में अंदर अंदर चर्चा होने लगी कि कौन है ये लड़का, कहां से आया है, राजवी समूह क्यों उसे सामने से बुला रहा है। राजवी समूह तो सिर्फ तेज दिमाग वालों और तेजी से मार्शल आर्ट्स की हर कला को प्राप्त करने वालों के लिए ही है, तो वो लोग दर्श जैसे साधारण शिष्य के पास क्यों आए हैं? दर्श कौन था और उसके अंदर क्या था, ये मलाबार परिवार में से आज तक कोई भी नहीं जान पाया था। पर आज दर्श से सबको जलन हो रही थी। अभय तो इतना खो गया था जैसे उसके सर पर किसी ने जोर से हथौड़ा मार दिया हो। सबको यही था कि दर्श तो बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देगा, ऐसा मौका थोड़ी कोई जाने देता है। पर दर्श के मन में क्या चल रहा था वो आज तक कहाँ कोई जान पाया था। जो भी हुआ, उस बात का उत्साह दर्श से ज्यादा बाकी सबको था। अब इंतजार था तो दर्श के जवाब का। दर्श बहुत शांति से खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, ना ही खुशी और ना ही उत्साह के। ड्रैगन ने फिर पूछा, दर्श क्या तुम राजवी समूह का हिस्सा बनना चाहोगे? दर्श ने एकदम शांति से कहा, आमंत्रण के लिए शुक्रिया, पर फिलहाल मैं किसी भी समूह का हिस्सा बनना नहीं चाहता। दर्श का जवाब ड्रैगन और टाइगर के सवाल से ज्यादा झटका दे गया सबको। अभय ने कहा, चंद्रन क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? चंद्रन ने कहा, तुमने क्या सुना? वो दोनों अभी भी शॉक में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वहां मौजूद सब लोगों को दर्श पर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, जहां जाने के लिए लोग मरते हैं उसे इसने बिना सोचे समझे मना कर दिया। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगा कि शायद दर्श अभी भीतरी शिष्य बना है, इसलिए उसे राजवी समूह का महत्व नहीं पता। सबका खून खौल उठा। दर्श पिछली रात को जितना ताकतवर नजर आया था, आज राजवी समूह को मना करके दर्श उतना ही मूर्ख लग रहा था सबको। ड्रैगन ने कहा, दर्श राजवी समूह का हिस्सा बनने से तुम फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में मार्शल आर्ट्स के स्तर आसानी से पार कर सकते हो, क्या तुम अभी भी मना करोगे?
दर्श ने एक मुस्कान के साथ कहा, माफी चाहता हूं, पर मेरा जवाब वही है। टाइगर को गुस्सा आया, वो गुस्से में दर्श की ओर बढ़ा और बोला, तुम्हें। ड्रैगन ने टाइगर को रोक लिया। ड्रैगन ने दर्श को एक बार फिर ऊपर से नीचे देखा और कहा, दर्श तुम इस बात पर एक बार सोच लेना। ड्रैगन वहां से निकला। टाइगर दर्श को गुस्से से देख रहा था। ड्रैगन और टाइगर दोनों बात करते हुए निकले। टाइगर ने कहा, देखा उस दर्श के बच्चे को, बहुत अभिमान है उसको खुद पर। ड्रैगन ने कहा, मुझे तो उस पर दया आ रही है, उसे क्या पता उसने क्या किया है। टाइगर ने कहा, उसने खुद की मौत को आमंत्रण दिया है, आगे जाके जब उसे एहसास होगा कि उसने क्या किया है तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। ड्रैगन ने कहा, आगे जिएगा तो ना, राजवी समूह को इनकार करके उसने मौत को गले लगाने की हिम्मत की है। चारों ने दर्श को कहा, दर्श तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है। दर्श ने कहा, मुझे पता है राजवी समूह क्या है, सबसे बड़ा समूह, एक कल्पित संस्था, मिथिकल ऑर्गेनाइजेशन। चारू कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कहा, तुम जानते थे, तुम्हें पता था, फिर भी तुमने इनकार कर दिया। ये सुनकर सब लोगों को झटका लगा। दर्श को कोई समझ नहीं पा रहा था। दर्श ने कहा, मैं जिस समूह को नहीं जानता उसका हिस्सा नहीं बन सकता। दर्श हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से निकल गया और चारू उसे देखती ही रह गई। चारू ने कहा, दर्श ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं। दर्श भी राजवी समूह के आमंत्रण से चौंक गया था। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्यों ही आमंत्रण मिला, और शायद इसी वजह से उसने उन्हें मना भी कर दिया। 5 साल पहले जो आंधी तूफान आया था, जिसमें आसमान में 9 रंग की लकीरें खिंच गई थी, उसने पूरे आइलैंड को नष्ट कर दिया था। पर कोई ये नहीं जानता था कि वो तूफान और वो 9 रंग की लकीरें और वो आंधी एक एनर्जी के रूप में दर्श के अंदर समा गई थी, और उसे दबे हुए तूफान का सामना बड़े से बड़ा समूह भी कैसे करेगा, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। ड्रैगन और टाइगर सबसे दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर दर्श की बातें कर रहे थे, और वहां एक खूबसूरत साया आया। ड्रैगन और टाइगर दोनों डर गए। वो ईशा थी। ईशा बहुत ही सुंदर और बहुत ही नाजुक दिखने वाली लड़की थी, एकदम गोरी, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी गाल। वो चेहरे से बहुत ही कम उम्र की लगती थी, पर वो अपनी कला में बहुत माहिर थी। पहली नजर में वो बहुत ही मासूम लगती थी, पर उसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता था। पर इतनी नाजुक और मासूम दिखने वाली ईशा फिलहाल गुस्से में थी। उसने गुस्से से कहा, इसका मतलब दर्श ने मेरे राजवी समूह का आमंत्रण ठुकरा दिया। ईशा का गुस्सा भी उसके जितना ही खूबसूरत था। उसका गुस्सा देखकर ड्रैगन और टाइगर दोनों एक साथ बोले, हाँ हाँ, हम सच कह रहे हैं, दर्श ने सच में मना कर दिया। ड्रैगन ने कहा, देखिए बड़ी बहन, हम नहीं जानते कि वो दर्श कितना अच्छा और कितना ताकतवर है, पर हम दोनों उसे आमंत्रण देने गए तो थे, और अगर हम दोनों ही उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें इस बात से थोड़ा डर लग रहा है। ईशा ने कहा, उसने मेरे समूह को ठुकराया है, अगर उसे इस बात का अफसोस ना हो तो मेरी समूह की क्या इज्जत रह जाएगी। ड्रैगन कुछ बोलने गया पर ईशा ने उसे रोक दिया। ईशा ने कहा, तुम लोग कोई भी चिंता मत करना, उस दर्श को मेरे समूह को ठुकराने का अफसोस होना ही चाहिए। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, बड़ी बहन को मैं संभाल लूंगी। ईशा के गुस्से के सामने ड्रैगन और टाइगर कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ हां में सर हिलाया। ईशा ने कहा, और हां एक बात ध्यान रखना, मुझे बड़ी बहन मत कहना, मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है। ईशा वहां से चली गई। टाइगर ने बोला, ये ईशा सच में कितनी मुश्किल है, हमें तो नौकर की तरह लगती है यार। ड्रैगन ने कहा, उसकी बहन के दम पर उसका प्रभाव है, और उसकी बहन की वजह से ही आज हम यहां पर हैं। टाइगर ने कहा, हाँ, और उसकी वो बहन ज्यादा खतरनाक है, वो तो उस गुस्से में जाने क्या कर बैठे कोई नहीं सोच सकता। ड्रैगन बोला, हाँ, दो बहनें ईशा और निशा, क्या सच में हमें फिर से उस दर्श से बात करनी चाहिए। टाइगर ने कहा, एक बार उसे चेतावनी दे देंगे और क्या। पिछली रात जब दर्श मालाबार समूह में गया था चारों के साथ, और वहां उसने चंद्रन और अजीत का सामना किया था, तब दूसरी ओर राजवी समूह में 2 अनजान इंसान आए थे, और उन्होंने राजवी समूह में दर्श को लेने का प्रस्ताव रखा था। वो दोनों इंसान की पहचान का ज्यादा पता नहीं चला था, पर उनका राजवी समूह में इतना प्रभाव था कि उनका काह करना ही था, और इसलिए
ड्रैगन और टाइगर दर्श को राजवी समूह का आमंत्रण देने आए थे। दर्श जिसके लिए आज निकला था वो काम करने आगे बढ़ा। अमृत की खोज। अमृत सुनहरी जड़ी बूटियां और चमकीली जड़ी बूटियों जैसी ही जड़ी बूटी है और ये मौसम उनके खिलने का है, इसलिए सब उनकी खोज में निकलते हैं। जिस पहाड़ पर ये जड़ी बूटी मिलती है वो पहाड़ पूरा आध्यात्मिक दवा के पौधों से भरा हुआ है। उस पहाड़ के बहुत सारे लेयर हैं और उस पहाड़ को चढ़ना आसान नहीं है। उस पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग में वही पहुंच सकता है जो उड़ना जानता हो। इस पहाड़ के 8 प्रवेश द्वार हैं और उन सब द्वार की रक्षा वरिष्ठ करते हैं और वो द्वार सिर्फ तब तक खुलते हैं जब किसी को कोई दवा की आवश्यकता हो। पर आज सब 8 द्वार खुले थे। करीबन 1,00,000 शिष्य अमृत की खोज में निकले थे। ये अमृत खिलने का मौसम जैसे एक त्योहार हो सभी शिष्यों के लिए, वैसे सब निकले थे। दर्श अकेला निकल पड़ा था अमृत की खोज में। वो फिलहाल किसी भी समूह के साथ नहीं था। दर्श ने पहाड़ में प्रवेश किया। दर्श वहां की खूबसूरती को देखता ही रह गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर पेड़ पौधे और सब पौधों में से आ रही सुगंध। दर्श को यहां आकर बहुत अच्छा लगा था। दर्श का ध्यान अचानक जमीन पर गया। उसने हरे रंग की एक चमकीली चीज देखी। दर्श उसे पकड़ने जाए उसके पहले ही वो फिर से जमीन के अंदर चली गई। दर्श को लगा शायद यही अमृत है। वो चमकीला हरे रंग का पौधा फिर से जमीन से निकला और इस बार फिर दर्श के पकड़ने से पहले ही जमीन में चला गया। दर्श अब समझ गया कि अमृत को पाना इतना आसान नहीं है। दर्श ने ध्यान से देखा कि वो पौधा कौन सी दिशा में कितने अंतर के बाद फिर से जमीन में निकलता है। दर्श अब एक जगह जाकर खड़ा हो गया और उसी जगह से वो पौधा फिर से निकला और दर्श ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दर्श ने उसे जमीन में से उखाड़ के बाहर निकाला। 5 इंच का हरे रंग का चमकीला पौधा। दर्श उसे देखता ही रह गया। देखते देखते वो पौधा एकदम से छोटा हो गया, जैसे वो मुरझा सा गया हो। दर्श ने उस हरे रंग की जड़ी बूटी को अपने दोनों हथेलियों के बीच रखकर घिसा और उसमें से उसे ऊर्जा मिली, पर दर्श को वो ऊर्जा बहुत कम लगी। दर्श ने सोचा अगर उसके अंदर रहे वो तूफान को ईंधन देना है तो ऐसी हजारों रंग की जड़ी बूटी लगेगी। दर्श ने सोचा आगे जाकर वो नीले रंग की जड़ी बूटी की खोज कर ले तो अच्छा है, क्योंकि उसका असर हरे रंग की जड़ी बूटी से ज्यादा है। दर्श आगे बढ़ा और उसने नीले रंग की जड़ी बूटी देखी, पर वो उसे आसानी से पकड़ ही नहीं पाया। सूरज ढलने लगा और अब तक दर्श ने ना जाने कितने नीले रंग की जड़ी बूटी देख ली थी, पर वो एक भी नहीं पकड़ पाया। दर्श बैठा कुछ खाने के लिए। उसने कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा था ना यहां मत आओ, ये नीले रंग की जड़ी बूटी आज तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, सामने किसी ने जवाब दिया। अरे आप चिंता ना करें, पूरी तैयारी कर दी है, सामने एक और आवाज आई। कितनी भी तैयारी कर लो पर ये जड़ी बूटी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। उनकी बातों से दर्श समझ गया कि वो लोग भी नीले रंग की जड़ी बूटी नहीं पकड़ पाए। दर्श को हंसी आई। उसने सोचा सबका हाल एक जैसा है। दर्श खाना खा रहा था, वहीं पर एक आवाज आई। ये तो दर्श है, वो देखो वहां। दर्श को आवाज पहचानी सी लगी और उस आवाज में जो कटाक्ष था उससे दर्श समझ गया कि यह फिर से कोई नापसंद जान पहचान वाला मिल गया। आगे क्या होना था जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।